रही है आवाज? हेलो हेलो। जी सर, आ रही है ओके आवाज, ओके। आ रही है। जी तो फाइटर नमस्कार। आज बहुत ही खुशी का दिन है। बहुत दिनों के बाद आज हम लोग जूम वेबिनार में मिल रहे हैं और ज्यादा समय हम लोग दोस्तों नहीं लेंगे। थोड़ा मैं मेरे बारे में इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। मेरा नाम श्री तेंदुलकर है और मैं अगर बाय प्रोफेशन की बात करें तो बहुत साल एज अ कमर्शियल डिजाइनर करके काम किया करता था। मॉडल फोटोग्राफी भी की। मेरे अलग अलग बिजनेस थे क्योंकि मेरा एजुकेशन उल्लासनगर में हुआ था और सिंधी लोगों के साथ में पला बड़ा रहा हूँ। तो उन लोगों से मुझे एक चीज सीखने मिली थी कि कभी भी इंसान को एक इनकम पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। लेकिन दोस्तों, इस खूबसूरत इंडस्ट्री देखने का मौका मुझे कोविड में मिला। और आगे जाने से पहले मेरे तीन त्रिदेव महागुरु मिस्टर नीलेश बिहोलकर सर, मिस्टर मुर्तुजा शेख सर और हमारे टीम के कर्ता धर्ता डॉक्टर संपूर्ण चौधरी सर, इन तीनों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ दोस्तों। क्योंकि इन्होंने ये मौका 4 साल पहले कोविड में मुझे दिखाया और इस मौके ने मेरी पूरी जिंदगी को 360 डिग्री में दोस्तों ट्रांसफॉर्म किया। तो ये क्या मौका है और इस मौके ने मेरी जिंदगी में क्या बदलाव किए, ये सारी चीजें आज हम लोग एक दूसरे के साथ डिस्कस करेंगे। तो मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं। हेलो, स्क्रीन दिख रही है? जी सर, दिख रही है स्क्रीन। ओके ओके। तो स्क्रीन पर एक बेहतरीन वर्ड लिखा है, ये कमिटमेंट आज हम लोग करने जा रहे हैं। ये जो समय है आप आज यहाँ पे देने वाले हो, जो इन्वेस्ट करने वाले हो, ये जो समय है, ये समय वेस्ट नहीं जाएगा, आपकी जिंदगी को 100% ट्रांसफॉर्म करेगा। ये कमिटमेंट के साथ हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। स्क्रीन पर एक लिखा है, आगे जाने से पहले मोबाइल स्विच ऑफ साइलेंट होना चाहिए, लेकिन ये ऑफलाइन मीटिंग के लिए होता है। हम लोग जूम पे कनेक्टेड है तो हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं। स्क्रीन पर हम लोग देख रहे हैं एक पिक्चर और वहां पे एक लिखा गया एक बेहतरीन लाइन है, लाइफ इज अ माइंड गेम। जिंदगी है ना दोस्तों, दिमाग से चलती है। एक पिक्चर हम लोग देख रहे हैं, पैराशूट का पिक्चर है। ये पिक्चर दिखाने का मेरा रीजन क्या है? मान के चले हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, एरोप्लेन से ट्रैवल कर रहे हैं और हमको एक मैसेज मिलता है कि एरोप्लेन क्रैश हो रहा है। तो जितने भी लोग बैठे हैं, हर बंदा पैराशूट ले, उसको गोद में पकड़े और कूद जाए। क्या हो जाएगा दोस्तों? पैराशूट काम नहीं करेगा जब तक वो खुलता नहीं है। वैसे ही हमारा दिमाग रहता है। जब तक हमारा दिमाग खुलता नहीं ना, तब तक हम लोग जिंदगी में बड़ी अचीवमेंट नहीं कर सकते। अभी बहुत सारे फाइटर्स, बहुत सारे हमारे नए गेस्ट यहाँ पे कनेक्ट है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में अलग अलग सवाल चलते चलते रहेंगे। शाम को घर में खाने के लिए क्या रहेगा? आप फिजिकली यहाँ पे हो तो आपका मेंटली भी यहाँ पे होना बहुत जरूरी है। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, आप 1 से 1.5 घंटा जो यहाँ पे देने वाले हो, जैसे आप फिजिकली यहाँ पे हो ना, वैसे ही आपका मेंटली होना भी बहुत जरूरी है, ताकि जो बातें आज यहाँ पे शेयर की जाएगी वो हर चीज आपके दिमाग के अंदर घुस जाएगी दोस्तों। तो हम लोग आगे चलते हैं। एक वर्ड है जो वर्ड हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं और तो वो वर्ड है सक्सेस। क्योंकि बचपन से हमें हमेशा ये बात सिखाई गई है, देख बेटा तुझे जिंदगी में सक्सेसफुल इंसान बनना है। हमको सक्सेस क्या है पता नहीं है, हम लोग पूरी जिंदगी भर है ना इस सक्सेस वर्ड के पीछे भागते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ सक्सेस के पीछे तो हर इंसान भागता है, लेकिन हर इंसान अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल कामयाब नहीं हो पाता है। इसका एक रीजन अगर देखा जाए तो हम लोगों को सक्सेस का डेफिनेशन ही पता नहीं है। क्योंकि बचपन से हमारे दिमाग में एक ही चीज डाली जाती है, देख बेटा तुझे पढ़ लिख कर बड़ा बनना है और एक कामयाब इंसान बनना है। तुझे पढ़ लिख कर बड़ा बनना है, अगर तू अच्छा एजुकेशन लेगा तो तुझे एक अच्छी नौकरी मिलेगी और नौकरी मिल गई तो तुझे अच्छी छोकरी मिल गई। यानी हमारे घर वालों के हिसाब से सक्सेस का डेफिनेशन छोकरी तक ही हो जाता है दोस्तों। और हम लोग अपनी पूरी जिंदगी इस सक्सेस के पीछे भागते हैं, मेहनत तो करते हैं, लेकिन हर इंसान को सक्सेस मिल नहीं पाता।
इसके लिए हम लोगों ने अलग अलग लोगों से बातचीत की, अलग अलग प्रोफेशन के लोग थे, बिजनेसमैन लोग थे, बहुत सारी वुमन्स थी। उन लोगों से बातचीत और डिस्कशन करने के बाद हम लोगों को सक्सेस के अलग अलग मायने समझ में आए दोस्तों। अगर उसकी तरफ हम लोग चलते हैं तो बहुत सारे लोगों से जब बातचीत की तो 90% लोगों का यह कहना था, सर अगर मैं मरने से पहले खुद की कमाई का एक बढ़िया सा ड्रीम हाउस ये घर बना पाऊँ तो मैं सक्सेसफुल हूँ। अगर घर हो गया तो घर के सामने साइकिल अच्छी दिखेगी। दोस्तों जस्ट मैं चेक कर रहा था, अगर घर हो गया तो घर के सामने एक बेहतरीन सी कार तो होनी चाहिए। हाँ किसी के कार का सपना मारुति हो सकता है, किसी का मर्सिडीज हो सकता है और किसी का रेंज रोवर डिफेंडर भी हो सकता है। घर हो गया, गाड़ी हो गई, उसके आगे हम लोग चलते हैं। हर माँ बाप ये चाहता है कि मुझे मेरे बच्चों को एक अच्छा एजुकेशन देना है। और आज की डेट में दोस्तों अगर हम लोग चेक करें देखें तो सबसे महंगी चीज है ना कुछ नहीं है, बच्चों का एजुकेशन है। चाहे माँ बाप पढ़े लिखे हो ना हो, लेकिन हर माँ बाप अपने बच्चों को है ना अच्छी शिक्षा देना चाहता है। घर हो गया, गाड़ी हो गई, बच्चों का एजुकेशन हो गया, उसके आगे अगर चलते हैं तो बहुत सारे लोगों का यह कहना था, सर एक बार फॉरेन तो घूम के आना चाहिए। फॉरेन टूर हो गई और कोविड के बाद हर इंसान को पता चल गया, सर पैसा इम्पोर्टेंट है लेकिन पैसे के साथ साथ एक अच्छी हेल्थ भी इम्पोर्टेंट है। इसके आगे अगर हम लोग चलते हैं तो एक बहुत अच्छा वर्ड सामने दिखाई दे रहा है, रिटायर फंड। दोस्तों बहुत सारे लोग जॉब करते हैं, जॉब करने के बाद कुछ पैसा आता है, जो पैसा वो लोग रिटायर्ड जिंदगी जीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ पैसा अगर बैंक में पड़ा है तो कभी ना कभी खत्म हो ही जाता है। इसके आगे और एक सक्सेस का डेफिनेशन मैं स्लाइड में डालना भूल गया। हम लोगों ने बहुत सारे लेडीज लोगों से बातचीत की थी, बहुत सारे लेडीज लोगों से पूछा था कि आपके हिसाब से सक्सेस क्या है, तो 99% लेडीज लोगों ने ये कहा था कि सोना। मैंने इनकी नहीं बात कर रहा हूँ, मैं गोल्ड की बात कर रहा हूँ, क्योंकि लेडीज ये जानती है, ये मानती है कि जिस लेडीज के पास सबसे ज्यादा सोना गहने होते हैं वो लेडीज खुद को सक्सेसफुल मानती है। सही बात है, अगर ये सारी चीजें हमको मिल जाए तो हम लोग खुद को अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल मान सकते हैं दोस्तों। और इन्हीं सारी चीजों के पीछे हर इंसान अपनी पूरी जिंदगी दौड़ता है लेकिन हर इंसान को सक्सेस मिल नहीं पाता। इसका एक ही रीजन है दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं सक्सेस के लिए ना एक सही प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है। मान के चले आप में ताकत है लेकिन अगर प्लेटफॉर्म सही नहीं है ना दोस्तों तो उस ताकत का कोई फायदा नहीं हो सकता। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे एक एरोप्लेन है जो जमीन पर खड़ा है। मेरा सवाल है और जवाब भी मैं खुद दूंगा, एरोप्लेन जमीन पे सेफ है लेकिन आकाश में सेफ नहीं है। लेकिन अगर ये एरोप्लेन की ताकत देखी जाए, इसका प्लेटफॉर्म देखा जाए तो दोस्तों आकाश है। यानी एरोप्लेन जमीन पर खड़ा रहने के लिए नहीं बना है, वो आकाश में उड़ने के लिए बना है। यानी सिंपल सा मेरा मैसेज है कि सक्सेस के लिए जो प्लेटफॉर्म होना चाहिए वो सही प्लेटफॉर्म होना चाहिए दोस्तों। एक एग्जाम्पल मैं हमेशा देता हूँ, प्लेटफॉर्म क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर ये चीज हम लोगों को समझ में आ गई ना तो हम लोग अपनी जिंदगी में एक सही प्लेटफॉर्म का चुनाव कर सकते हैं। एक पिक्चर आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रही है, यहाँ पे एक जानवर दिखाई दे रहा है आप लोगों को। आप सारे लोग समझदार हो, पढ़े लिखे हो, वो जानवर घोड़ा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो जो घोड़ा है वो चौपाटी पे दौड़ रहा है, जो भी लोग घूमने आते हैं उनको घुमाता है, मेहनत करता है, कुछ पैसे तो जरूर बनाता है। नेक्स्ट पिक्चर की तरफ अगर हम लोग चलते हैं, यहाँ पे भी एक जानवर है। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोगों के चेहरे पे स्माइल है, सर वही जानवर है, घोड़ा है। लेकिन ये जो घोड़ा है ये शादी में दूल्हे को नचाता है। यहाँ पे भी जानवर घोड़ा ही है और यहाँ पे भी घोड़ा मेहनत कर रहा है और पैसे कमा रहा है। तीसरी स्लाइड की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे तो एक जानवर है, यहाँ पे भी घोड़ा ही है, यहाँ पे भी घोड़ा मेहनत कर रहा है, दौड़ रहा है, पैसे कमा रहा है। मुझे पूछने की और जरूरत नहीं है, आप सारे लोग जानते हैं। अगर मेरा सवाल ये रहेगा इन तीनों में से कौन सा घोड़ा सबसे ज्यादा पैसे कमाता है तो आप सारे लोगों का जवाब यही रहेगा, सर रेसकोर्स में जो दौड़ता है
वही ज्यादा पैसे कमाता है। अभी हम लोग एक काम करते हैं, जो दो घोड़े रेस कोर्स में दौड़ रहे हैं उनको पकड़ते हैं, और जो पहली स्लाइड है चौपाटी वाली, वहां पे लाके उन दोनों घोड़ों को हम लोग बांधते हैं। क्या लगता है आपको, ये जो रेस्कोर्स वाले घोड़े जब चौपाटी पे दौड़ेंगे तो क्या उतना पैसा कमा पाएंगे? नहीं कमा पाएंगे दोस्तों। मेरा मैसेज ये है, घोड़ों में ताकत है लेकिन प्लेटफॉर्म बहुत ही जरूरी है। अभी हर इंसान, आप खुद समझ सकते हो, आप जो भी मेहनत कर रहे हो, खुद को सवाल करना, क्या मेरी मेहनत चौपाटी वाली है, क्या मेरी मेहनत शादी के घोड़ों की है, या मेरी मेहनत रेसकोर्स की है? यकीनन हर एक का जवाब ये रहेगा, सर आज हम लोग जो भी मेहनत कर रहे हैं ना, वो हम लोग चौपाटी वाले घोड़ों की मेहनत कर रहे हैं। तो आगे हम लोग चलते हैं, सक्सेस पाने के लिए क्या किया जाए, सक्सेस के लिए कौन कौन से रास्ते हैं, ये बहुत स्टडी करने के बाद हम लोगों को चार रास्ते समझ में आए दोस्तों। ये पता चल गया, अगर इन चार रास्तों के ऊपर कोई भी बंदा चलता है ना, तो यकीनन अपनी जिंदगी में वो सक्सेसफुल कामयाब बन सकता है। पहला एक रास्ता है जिसको कहा जाता है एक्स्ट्रा टैलेंट। जिस भी इंसान के पास एक्स्ट्रा टैलेंट है, वो इंसान अपनी जिंदगी में जरूर कामयाब होता है। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल दिया है लता दीदी जी का, जिनको कौन नहीं जानता, जिनकी गाने लोग आज भी सुनते हैं। मेरा एक सवाल है, क्या दूसरी कोई और लता जी बन गई? नहीं दोस्तों, क्योंकि लता दीदी के पास एक एक्स्ट्रा टैलेंट था, उन्होंने पूरी दुनिया में अपना नाम किया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास एक्स्ट्रा टैलेंट है, जिसमें अमिताभ बच्चन भी आ सकता है, सचिन तेंदुलकर भी आ सकता है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। लेकिन क्या ये एक्स्ट्रा टैलेंट हर इंसान के पास होता है? नहीं होता है। यानी सिंपल सा ये मतलब है, ये जो एक्स्ट्रा टैलेंट वाला रास्ता है, ये आम इंसान के लिए नहीं है। तो हम लोग दूसरे रास्ते की तरफ चलते हैं। दूसरा एक रास्ता है जिसके ऊपर चल के हम लोग जरूर अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल बन सकते हैं, वो रास्ता है हायर एजुकेशन का। अगर हायर एजुकेशन ली जाए तो यकीनन हर इंसान अपनी लाइफ में कामयाब बन सकता है, क्योंकि आज हम लोग देख रहे हैं जो IAS IPS बन रहे, वो लोग दोस्तों अपनी लाइफ में सक्सेसफुल कामयाब है। लेकिन क्या ये रास्ता हमारे लिए है? था दोस्तों, लेकिन जब पढ़ाई का समय था तो हम लोगों ने पढ़ाई नहीं की, तो आज की डेट में ये रास्ता हमारे लिए बंद हो चुका है। तो हम लोग नेक्स्ट रास्ते की तरफ चलते हैं। तीसरा एक रास्ता है जिसको कहते हैं बिग इन्वेस्टमेंट। और हम लोगों को पता है, मार्केट में अगर बड़ा पैसा कमाना है ना, तो मार्केट में बड़ा पैसा आप लगाओ और बड़ा पैसा कमाओ। लेकिन इसके लिए हम लोगों को अंबानी अदानी इनके घर में पैदा होना बहुत जरूरी था, लेकिन किसके घर में पैदा होना ये हमारे हाथ में नहीं था। इस सिंपल सी बात है, यानी ये तीसरा रास्ता भी हम लोगों के लिए नहीं है। तो आप हर एक के फाइटर के दिमाग में एक सवाल चलता रहेगा, तो सर क्या हर आम इंसान के लिए कोई रास्ता नहीं है? है दोस्तों, हर आम इंसान के लिए एक बेहतरीन रास्ता है, और उस प्लेटफॉर्म को कहा जाता है मेकन नेटवर्क। और आज की डेट में अगर देखा जाए तो जो दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं, वो सिर्फ इसी फॉर्मूले और इसी रास्ते को अपनाते हैं। मैंने एक किताब पढ़ी थी, किताब का नाम था रिच डैड पुअर डैड। उसमें ऑथर ने बहुत अच्छी लाइन कही थी। उनका यह कहना था, अमीर इंसान और गरीब इंसान दोनों में सिर्फ सोच का फर्क होता है। गरीब इंसान ये सोचता है कि मैं बड़ा बिजनेस करूंगा और बड़े पैसे कमाऊंगा, लेकिन अमीर इंसान हमेशा ये सोचता है मैं छोटे छोटे बिजनेस से बड़ा पैसा कमाऊंगा। इसका अगर एग्जाम्पल की बात करें तो हम लोगों को, सारे लोगों को पता है, एक एग्जाम्पल मैं हमेशा देता हूँ, ओला उबर। उबर के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एक टैक्सी कंपनी जिनके पास खुद की एक भी टैक्सी नहीं है, लेकिन आज की डेट में उबर दुनिया का नंबर वन टैक्सी कंपनी बन चुका है। तो इन्होंने कौन से फॉर्मूले का अपनाया? इन्होंने एक सिंपल फॉर्मूला दोस्तों अपनाया। इन्होंने खुद एक छोटा सा एप्लीकेशन बनाया, एक प्लेटफॉर्म बनाया, हर कार ड्राइवर के मोबाइल में इंस्टॉल किया, हर कस्टमर के मोबाइल में इंस्टॉल किया, और उस एप्लीकेशन से एक दूसरे को कनेक्ट किया, जिसको बोला जाता है नेटवर्क। और आज की डेट में एक दूसरे को कनेक्ट करके ओला उबर बहुत ढेर सारा पैसा कमा रहे। और इसी फिलोसॉफी के ऊपर आज की डेट में डिश टीवी काम कर रहा है, फेसबुक काम कर रहा है, व्हाट्सएप भी काम कर रहा है, एयरटेल। जियो की अगर बात करें तो जियो का दोस्तों
एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे जरूर आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि जियो की इस हिस्ट्री अगर आपको समझ में आ गई तो नेटवर्क की दोस्तों ताकत आपको समझ में आ जाएगी। जियो की अगर बात करें तो 2017 में जियो लॉन्च हुआ था दोस्तों, और जब जियो लॉन्च हुआ था तो इंडियन टेलीकम्युनिकेशन मार्केट में बहुत बड़े बड़े ब्रांड काम कर रहे थे, जिसमें एयरटेल भी था, वोडाफोन भी था, टाटा भी था, आइडिया भी था, बीएसएनएल भी था। जियो तो एक नया बच्चा था। फिर उन्होंने कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाई? जियो ने कैलकुलेशन रखा था, उन्होंने चेक किया इंडिया का पॉपुलेशन कितना है, उनको समझ में आया 130 करोड़ पॉपुलेशन है। उन्होंने प्लानिंग किया 60 करोड़ लोगों तक हमें खुद का सिम कार्ड पहुंचाना है। आप सभी लोगों को याद रहेगा, जब शुरू में जियो के सिम कार्ड मिलते थे तो आधार कार्ड के ऊपर मिलते थे। जब तक 60 करोड़ कनेक्शन कंप्लीट नहीं हुए थे, जियो ने हर एक को डेटा फ्री में दिया, हर एक को कॉलिंग फ्री में दिया। जिस दिन 60 करोड़ कनेक्शन कंप्लीट हुए, जियो ने हर मोबाइल यूजर के मोबाइल पे एक छोटा सा मैसेज डाला, आज से आपको कुछ नहीं करना है, मुझे सिर्फ आपको 300 रुपया देना है। दोस्तों, हम लोगों को जियो की आदत हो चुकी थी, हम लोगों ने जियो का नेटवर्क यूज किया था, उनका स्पीड हम लोगों ने यूज किया था, हमको चीज अच्छी लगी। आज हम लोग जियो के लिए नहीं, खुद के लिए 300 रुपए का रिचार्ज करते हैं। लेकिन दोस्तों सोच के देखना, अगर जियो के पास 60 करोड़ कनेक्शंस है और हर इंसान अगर सिर्फ 300 रुपया जियो को दे रहा है, तो जियो हर महीना 18,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। हम लोगों को यह लग रहा है कि सर मैं तो सिर्फ 300 दे रहा हूँ, लेकिन एक नेटवर्क बना के अगर जियो इतना बड़ा बिजनेस कर सकता है, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं कि नेटवर्क बना के हम लोग भी बहुत बड़ा बिजनेस दोस्तों खड़ा कर सकते हैं। आगे हम लोग चलते हैं। तो नेटवर्क बनाने के लिए हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, तो एक बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म हर इंसान के लिए प्रोवाइड किया, तो वर्चुअल क्लैपिंग से हम लोग प्रेजेंट कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन को, जिसका नाम है अस्क्लीपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। अस्क्लीपियस नामे में बहुत कुछ लिखा है दोस्तों। जब पहली बार ये वर्ड मेरे सामने आया था तो मुझे ऐसा लगा था इतना टफ वर्ड क्यों लिखा, लेकिन शेक्सपियर ने भी बोला है नामे में बहुत कुछ है। दोस्तों अगर इस वर्ड की बात करें तो अस्क्लीपियस का मीनिंग ये होता है गॉड ऑफ हीलिंग एंड मेडिसिन। यानी जैसे भी हम लोग किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर की क्लिनिक में एक मूर्ति रखी होती है, जिस मूर्ति को धन्वंतरी कहा जाता है, वो हेल्थ के भगवान है, वैसे ही अस्क्लीपियस आयुर्वेदा के भगवान है। और इसी नाम के ऊपर अस्क्लीपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड की शुरुआत हुई दोस्तों। इसकी शुरुआत, इसका विजन मिशन ये था, एक हर एक आम इंसान के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है जिसकी वजह से वो एक अच्छी हेल्थ पाए, हेल्थ के साथ वो वेल्थ भी पाए। अगर अच्छी हेल्थ मिल गई और पैसा मिल गया तो खुशियां अपने आप आ जाती है। आगे हम लोग चलते हैं। इसकी शुरुआत एक ऐसे शख्स ने की जिनके बारे में जितनी भी बात करना दोस्तों कम है, उनका नाम है डॉक्टर संजीव कुमार। अगर संजू सर की बात करें तो संजू सर ने अपनी जिंदगी के 17 साल आर्मी के लिए दिए। जब आर्मी में वो जॉब कर रहे थे तो उनके दिमाग में हमेशा एक चीज चल रही थी, मुझे अपने देश के लिए, कंट्री के लिए कुछ ना कुछ करना है। जब रिटायर्ड हुए तो चुप नहीं बैठ पा रहे थे, और तभी उनको समझ में आया कि अपनी कंट्री के लिए एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है। और उन्होंने अपने ही साथ कुछ ऐसे लोगों को लिया जो सारे लोग आर्मी से बिलोंग करते थे, और उनको लेके 9 नवंबर 2014 अस्क्लीपियस वेलनेस का निर्माण किया। अगर संजू सर की बात करें तो आज की डेट में संजू सर अस्क्लीपियस के एमडी एंड सीईओ है, और साथ ही साथ मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग में अब तक कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं था, कोई भी बॉडी डायरेक्ट सेलिंग के लिए गवर्नमेंट से फाइट नहीं कर पा रही थी, ना रूल्स रेगुलेशन ला रही थी। लेकिन एक बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश हुई जिसका नाम है एडीएसीआई, और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है इस एडीएसीआई में बहुत सारी बड़ी बड़ी इंडियन डायरेक्ट सेलिंग की 10 10 20 20 30 25 25 साल पुरानी कंपनियां एसोसिएट्स है, और सारी कंपनियों ने हमारे ग्रेट महागुरु डॉक्टर संजू सर को एडीएसआई का प्रेसिडेंट बनाया दोस्तों। तो
तो ये हमारे लिए बहुत फक्र की बात है। दूसरे एक शख्स के बारे में जरूर बात करना चाहूंगा जिनका नाम है मिस्टर मामचंद रायपुरिया सर। रायपुरिया सर पूरा हमारा जो भी प्रोडक्ट सेक्शन है सारी चीजें रायपुरिया सर देखते हैं। अगर बात करें आर्मी के लोग हैं तो आर्मी के लोग कितने डिसिप्लिन वाले रहेंगे मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जो लोग हमेशा अपने देश के लिए जान देते भी है और जान लेते भी है तो हमेशा वो अपने देश के हित के बारे में सोचते हैं। और इसी अच्छी सोच के साथ असली पीएस वेलनेस ने अब तक 9 साल सक्सेसफुली दोस्तों कंप्लीट कर चुकी है। अगर प्रोफाइल की और अवार्ड रिवार्ड की बात करें तो आर्मी के लोग हैं तो सोशल वर्क बहुत सारा करते हैं। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं बहुत सारे अवार्ड रिवार्ड सर्टिफिकेट हमारी संस्था को मिल चुके हैं। लेकिन एक अवार्ड के बारे में जरूर बात करना चाहूंगा। हमारे ग्रेट महागुरु डॉक्टर संजीव सर को एक बेहतरीन अवार्ड से नवाजा गया था जिसका नाम है चैंपियन ऑफ चेंज। ये अवार्ड हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी सर के हाथों से 2019 में मिला था। लेकिन ये बात मुझे बताते हुए फक्र की बात है ये अवार्ड संजू सर को 1 साल नहीं दोस्तों कंटिन्यू 2 साल मिला है। आगे देखेंगे तो बहुत सारे अवार्ड मिले। भारत स्वदेशी अवार्ड है, संकल्प से सिद्धि अवार्ड है, बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड, बेस्ट हेल्थ केयर लीडर। लेकिन सिर्फ अवार्ड की बात नहीं करते दोस्तों, हमारी संस्था सोशल वर्क में भी बहुत सारा काम करती है। 2019 में जब पुलवामा अटैक हुआ था हमारे बहुत सारे सैनिक भाई ये दुनिया छोड़ के चले गए थे। तो उसी दौरान उन भाइयों के लिए हमारे संस्था ने 11 लाख का डोनेशन दिया था। जब कोविड आया था तो पीएम केयर फंड में 25 लाख दिए थे। राम जन्मभूमि के लिए 21 लाख दिए थे। यानी जहां जहां सोशल वर्क की बात आती है ना वहां असली पीएस पहले नंबर पे रहती है दोस्तों। अगर कोविड की बात करें तो कोविड में हम सारे लोगों ने देखा था बहुत सारे लोगों के जॉब जा रहे थे, बहुत सारी कंपनियां लोगों को निकाल रही थी। असली पीएस वेलनेस एकमात्र कंपनी थी जो कोविड का पेंडेमिक सिचुएशन में लोगों के लिए काम कर रही थी। जब कोविड का फर्स्ट फेज था तो हमारी संस्था ने अलग अलग जगहों पे फ्री में हेल्थ केयर कैंप चलाए थे, मुफ्त में दवाइयां बांटी थी। लेकिन जब कोविड का सेकंड फेज आया तो दोस्तों उस फेज में तो बहुत सारे लोग टूट चुके थे क्योंकि पहले फेज के बाद लोगों ने सवरना स्टार्ट किया था। लेकिन जब सेकंड फेज आया ना तो बहुत सारे लोगों के पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। और ऐसे पेंडेमिक सिचुएशन में हमारी संस्था असली पेस वेलनेस के एक बेहतरीन फाउंडेशन ने पर डे इंडिया के 20 बड़े बड़े शहरों में 3 लाख से भी ज्यादा लोगों को तकरीबन 1 महीने तक खाना खिलाया था दोस्तों। और मुझे बहुत खुशी हो रही है इस फीड द नीडी प्रोग्राम का हिस्सा बनने का चांस भी हमें मिला था। फूड पैकेट सारा खर्चा कंपनी कर रही थी दोस्तों और सिर्फ फाइटर लोग हम लोग अलग अलग जगहों पे जाके ये फूड पैकेट्स बांटने का काम कर रहे थे। और एक बेहतरीन काम हमारी संस्था ने किया जिसके बारे में मैं जितनी बात करूँ ना कम है। कोविड का पेंडेमिक सिचुएशन में लोगों को समझ में नहीं आ रहा था क्या करे क्योंकि जॉब जा रहे थे, बिजनेस बंद हो चुके थे। लेकिन जो भी फाइटर्स हमारी संस्था असली पेस के साथ सिर्फ जुड़े थे और किस कारणवश वो फाइटर खुद को बचा नहीं पाए, हमारे ग्रेट सीएमडी संजू सर ने उस हर एक फाइटर के नॉमिनी को उस कोविड का पेंडेमिक सिचुएशन में 1 लाख रुपया सर रिलीफ फंड दिया था। और ये महान काम दोस्तों उस पेंडेमिक सिचुएशन में सिर्फ असली पेस वेलनेस फाउंडेशन ने ही किया था। अगर संस्था की बात करें आगे लीगल डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स कंपनी की वेबसाइट पे है, आप सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक कर सकते हैं। आईएसओ सर्टिफिकेशन है, कोशर का है, एफएसआई का है, प्योर वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स है, यूरोपियन स्लैब का सर्टिफिकेट्स है, बहुत सारे सर्टिफिकेट्स है। हम लोग अपनी वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं। ये दोस्तों आप पिक्चर में देख रहे हो हमारी संस्था का दिल्ली में खुद का हेड ऑफिस है जो सेक्टर 17 द्वारका में। हम लोग कभी भी जाके इस ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। असली पेस का पूरा काम इस ऑफिस के तहत चलता है दोस्तों। आगे हम लोग चलते हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की तरफ। असली पेस वेलनेस दोस्तों आयुर्वेदा में काम करती है। जब संस्था शुरू हुई थी तो संस्था के पास सिर्फ 5 प्रोडक्ट थे। एक यूनिट दो यूनिट करते करते आज की डेट में असली पीएस वेलनेस अगर हम लोग जयपुर में सीता पूरा एरिया में जाए
तो खुद का 500 करोड़ का एसलीपीएस वर्ल्ड बना रही है जो 1 किलोमीटर के दायरे में है। हम लोग यहाँ पे कभी भी जाके विजिट कर सकते हैं, सिर्फ हमको पहले हमको परमिशन लेना जरूरी होता है। हर फाइटर जाके यहाँ पे विजिट कर सकता है। अगर एसलीपीएस वेलनेस 500 करोड़ लगा के खुद के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डेवलप कर रही है, तो एसलीपीएस वेलनेस का विजन कितना बड़ा है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ सारे आपको R&D डिपार्टमेंट मिलेंगे, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स मिलेंगे, सारे फिनिश गुड्स आप देख सकते हो। आज की डेट में सत्ता के पास 9 खुद के वेयर हाउस भी है, जहां से सारे प्रोडक्ट ऑल ओवर इंडिया में डिस्पैच होते हैं। तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक सवाल आता रहेगा कि सर मैं AWPL के साथ असली पेस के साथ जुड़ता हूँ तो मेरा फायदा क्या हो? अगर इस संस्था के साथ हम लोग जुड़ते हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन का अगर हम लोग हिस्सा बनते हैं तो फायदा क्या होगा? यहाँ पे पहला एक वर्ड लिखा अर्ली रिटायरमेंट। बहुत सारे लोग जिंदगी के 60 साल तक काम करते हैं, लेकिन कुछ लोग ये चाहते हैं कि सर हम लोग 3 4 5 साल काम करें उसके बाद घर बैठे भी पैसा आना चाहिए, हमें बहुत जल्द रिटायर्ड होना हम लोग बहुत जल्द रिटायर होना चाहते हैं। तो दोस्तों अगर इस संस्था के साथ आप जुड़ते हो तो आप बहुत जल्द रिटायरमेंट लाइफ जी सकते हो। फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम का ये मतलब होता है अगर हम लोग किसी शॉप में जाते हैं, वाइफ के लिए साड़ी लेना है, वाइफ साड़ी का कलर देखती है, हम लोग साड़ी का टैग देखते हैं, क्योंकि हम लोग चेक करते हैं हमारे पॉकेट में जितना पैसा है ना उतनी की साड़ी हम लोग वाइफ को देने के बारे में सोचते हैं। लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम का ये मतलब होता है अगर हम लोग शॉप में जाए और दुकानदार हमको अगर ये सवाल पूछे, सर आपका बजट क्या है, बुरा नहीं माना दोस्तों, जब वो दुकानदार बजट पूछता है ना वो बजट नहीं पूछता है, उस वक्त वो अपनी हैसियत पूछता है। उस वक्त हमारे मुंह से जवाब आना चाहिए तेरे शॉप में जो सबसे महंगी साड़ी है ना वो निकाल के दे दे। यानी जो कोई भी चीज हमको परचेस करनी है ना तो हमको हमारा पॉकेट देखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, इसे कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। और अगर असली पेस के संग हम लोग जुड़ जाते हैं तो फाइनेंशियल फ्रीडम भी हम लोग दोस्तों पा सकते हैं। बहुत सारे लोगों को घूमने का शौक होता है, लेकिन असली पेस वेलनेस हम लोगों को फ्री में भी घूमने का मौका मिल देती है। सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी हम लोग घूमने जा सकते हैं। इस संस्था के साथ जुड़ने के बाद हमारी लाइफ स्टाइल टोटली चेंज हो जाती है, हम लोगों का रहन सहन, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट यहाँ पे अपने आप हो जाता है। कोविड के पेंडेमिक सिचुएशन के बाद बहुत सारे लोग ये मानने लगे सर पैसा इंपॉर्टेंट है, लेकिन पैसे के साथ एक अच्छी सेहत भी होना जरूरी है। अगर इसका हम लोग हिस्सा बनते हैं तो एक अच्छी हेल्थ भी हमको यहाँ से जरूर मिल सकती है। आगे हम लोग चलते हैं, यहाँ से हम लोग सोशल वर्क कर सकते हैं, एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का कार का सपना होता है वो भी यहाँ से पूरा हो सकता है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट यानी संस्था के साथ जुड़ने के बाद ये सारी चीजें दोस्तों हम लोगों को मिल सकती है। यहाँ से जुड़ना कैसे है और हमारी संस्था करती क्या है? दोस्तों हमारी संस्था आयुर्वेदा के ऊपर काम करती है, क्योंकि आयुर्वेदा की शुरुआत हम सबको पता है हमारे भारत से हुई थी, लेकिन आयुर्वेदा भारत में कम और विदेशों में ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। आयुर्वेदा के बारे में हम लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं है। हम लोग ये मानते हैं कि आयुर्वेदा स्लो काम करता है। दोस्तों आयुर्वेदा का मतलब क्या है? आयुर्वेदा सिर्फ बीमार इंसान के लिए काम नहीं करता है। आयुर्वेदा का यह मतलब है अगर स्वस्थ इंसान आयुर्वेदा का इस्तेमाल करेगा कभी बीमार नहीं गिरेगा, और बीमार इंसान अगर आयुर्वेदा का इस्तेमाल करेगा तो उसकी बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। लेकिन एक सवाल दिमाग में आता है, मेरे भी दिमाग में सवाल आया था क्योंकि साइंस का स्टूडेंट हूँ, सवाल आया था कि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट सेफ होते हैं? बहुत सारे लोग ये कहते हैं सर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट सेफ होते हैं। दोस्तों मैं इस चीज को नहीं मानता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर कोई प्रोडक्ट कोई कंपनी बना रही है और उसमें अगर कोई इंग्रेडिएंट ज्यादा हो गया तो प्रोडक्ट साइड इफेक्ट दे सकता है, और कम हुआ तो प्रोडक्ट रिजल्ट नहीं दे सकता। तो हम लोग ये कैसे देख सकते हैं, कैसे चेक कर सकते हैं कि प्रोडक्ट सही है सेफ है? उसके लिए दोस्तों एक क्राइटेरिया होता है, एक सर्टिफिकेट होता है, और उसको कहते हैं आयुष। हम लोगों ने कोविड में नाम तो सुना था क्योंकि कोविड में टीवी में हर बार एक मैसेज फ्लैश आउट हो रहा था, अगर आपको कोविड से बचना है
तो आयुष के प्रोडक्ट इस्तेमाल करो, आयुष के प्रोडक्ट इस्तेमाल करो। एग्जैक्टली हम लोगों को आयुष क्या है पता ही नहीं था, तो थोड़ा आयुष के बारे में बताना चाहूंगा। दोस्तों आयुष हमारे इंडियन गवर्नमेंट की एक रेगुलेटरी बॉडी है जो आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथिक प्रोडक्ट को सर्टिफाई करती है। जब प्रोडक्ट को सर्टिफाई करती है तो चेक किया जाता है प्रोडक्ट में जो भी रॉ मटेरियल डाला है, जो हर्ब डाले हैं, वो टॉप क्वालिटी के है क्या, प्रोडक्ट 100% सेफ है क्या, प्रोडक्ट 100% रिजल्ट ओरिएंटेड है क्या। और एक बात दोस्तों चेक की जाती है, जो भी हर्ब डाले हैं उस हर्ब का कौन सा पार्ट उस प्रोडक्ट में डाला गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। एक एग्जाम्पल के तौर पे बताना चाहूंगा, जैसे हम लोग अश्वगंधा के बारे में हमेशा सुनते आ रहे हैं, हमें पता है अश्वगंधा आयुर्वेदा में उसको सुपर हब कहा गया है, लेकिन हर हब दोस्तों चार भागों में बांटा गया है। एक होता है उसके जड़े, उसकी टहनिया, उसके पत्ते, सही बात है। तो कौन सा पार्ट डाला गया है ये चीज भी देखना बहुत जरूरी है। अगर किसी प्रोडक्ट में सिर्फ अश्वगंधा लिखा गया है तो प्रोडक्ट 100% रिजल्ट देगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अश्वगंधा की जड़े सबसे बेहतरीन काम करती है, तो किसी प्रोडक्ट में अगर उसकी जड़ें डाली गई है तो यकीनन वो प्रोडक्ट ज्यादा रिजल्ट दे सकता है, और ये चेक किया जाता है आयुष डिपार्टमेंट की तरफ से। और दोस्तों मुझे बताते हुए खुशी होती है, एसलीपीएस वेलनेस के जितने भी फूड कैटेगरी के प्रोडक्ट्स है सारे प्रोडक्ट को आयुष सर्टिफिकेट मिल चुका है। यानी अगर बात करें तो आयुर्वेदा के एमडी डॉक्टर्स भी आज इस प्रोडक्ट को चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्रोडक्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट होते हैं। एसलीपीएस वेलनेस किन किन कैटेगरी में प्रोडक्ट बनाती है? एसलीपीएस वेलनेस अगर बात करें तो आज 8 कैटेगरी में प्रोडक्ट बना रही है, जिसमें ओरल केयर है, होम केयर है, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर के रेंज है, हेयर केयर की है, वेलनेस के प्रोडक्ट्स है, फूड सप्लीमेंट के, एग्रीकल्चर की भी हमारे पास रेंज है, और वेटरनरी के भी प्रोडक्ट्स यहाँ पे है। दोस्तों आप राइट साइड में देख सकते हैं सारे सर्टिफिकेट्स यहाँ पे है, लेकिन एक सर्टिफिकेट के बारे में जरूर बात करना चाहूंगा, जो सर्टिफिकेट है यूरोफिन्स। शायद बहुत सारे लोगों को ये वर्ड पता रहेगा, बहुत सारे लोगों को एक वर्ड पता नहीं रहेगा, यूरोफिन्स है क्या। लोग ये मानते हैं सर इंडिया में कुछ भी चलता है, क्या बाहर की कंट्री में चलता है? नहीं चलता दोस्तों। यूरोपियंस एक लैबोरेटरी है जो जापान बेस्ड लैबोरेटरी है, जो फूड सप्लीमेंट के टेस्टिंग में पूरी दुनिया में वेल नोन लैबोरेटरी है। अगर कोई भी प्रोडक्ट यूरोपियंस लैब में टेस्टिंग को जाता है और यूरोपियंस लैब उस प्रोडक्ट को सर्टिफाई करती है, तो वो प्रोडक्ट सिर्फ इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में एक्सेप्ट किया जाता है। और एसलीपीएस वेलनेस के फूड कैटेगरी के सारे प्रोडक्ट यूरोपियंस लैब में टेस्टेड है, और यूरोपियंस लैब का यह कहना है कि एसलीपीएस वेलनेस बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट बनाती है। तो एसलीपीएस वेलनेस कौन कौन से प्रोडक्ट बनाती है इसकी तरफ दोस्तों हम लोग चलते हैं। एक स्क्रीन पर पिक्चर सारे लोगों को दिख रहा है, मेरा एक वर्चुअल सवाल है, मैं हमेशा प्रेजेंटेशन में पूछता हूँ, हम लोग रोज ब्रश करते हैं, क्यों करते हैं? हमें बचपन में बोला गया था ब्रश करनी अच्छी बात होती है। दोस्तों पहले जमाने में लोग नमक से, कोयले से और नीम की दातुन से ब्रश किया करते थे। कुछ कंपनी आई, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, उन्होंने ये मार्केट में फैलाया कि अगर आप नमक से ब्रश करेंगे, कोयले से ब्रश करेंगे, तो आपके खूबसूरत दांतों के ऊपर रैचेस आ सकते हैं, आप टूथपेस्ट का इस्तेमाल करो। हम लोगों ने टूथपेस्ट का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया, और अब वही कंपनियां मार्केट में पूछ रही है क्या आपके टूथपेस्ट में डॉट डॉट है। आप सारे लोग समझदार हो दोस्तों, एसलीपीएस मार्केट में बहुत सारी कंपनियां झूठ बोल के माल बेचती है, एसलीपीएस वेलनेस एकमात्र कंपनी है जो सच बोल के प्रोडक्ट बेचती है। क्यों? अगर उस क्यों की बात करें तो एसलीपीएस वेलनेस का स्लोगन यह है, एलाइट नथिंग एल्स। अगर इस वर्ड को आप गूगल पे डालेंगे तो सामने गूगल ये बोलेगा, इसका मतलब है इससे बेहतर और कुछ हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों अगर यह स्लोगन कंपनी का है तो प्रोडक्ट भी वैसे ही दमदार रहेंगे। हम लोग पहले प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं, एसलीपीएस वेलनेस का जो पहला प्रोडक्ट है जो सिर्फ दांतों के लिए बनाया है, उस प्रोडक्ट का नाम है डेंटोडॉक। एसलीपीएस वेलनेस के 90% प्रोडक्ट में आपको एक वर्ड जरूर दिखेगा, वो वर्ड है डॉक, और डॉक का मतलब होता है दोस्तों डॉक्टर। और आर्मी की अगर बात करें तो आर्मी में किसी भी डॉक्टर को उनके नाम से नहीं बुलाते, उनको डॉक करके बुलाया जाता है, क्योंकि ये चीज उनके लिए बहुत प्राउड फील चीज होती है,
और उसी वर्ड का इस्तेमाल हमारी संस्था ने हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट में किया है। दोस्तों, ये आपके दांतों का डॉक्टर है। दांतों से रिलेटेड अगर आपको कोई भी समस्या हो, आप इस अगर डेंटोडॉक का इस्तेमाल करते हैं तो सारी समस्याओं से आप निजात पा सकते हैं। लेकिन मेरे कुछ फाइटर्स ने मुझे जब कॉल किया था और मुझे बोला था, एक फाइटर ने मुझे बोला था, सर मैं जब रोज ब्रश करता था डेंटोडॉक से और एक हाथ में मैं मोबाइल पे बात करता था। मैंने पूछा फिर क्या हुआ? सर बहुत सारा डेंटोडॉक मेरे पेट के अंदर चला गया और सर बताते हुए खुशी हो रही है मेरा एसिडिटी का प्रॉब्लम चला गया। ये हमारी डेंटोडॉक के ऊपर नहीं लिखा है दोस्तों, लेकिन जब हम लोगों ने चेक किया, डेंटोडॉक को पानी में घुलाया, पी लिया, एसिडिटी का प्रॉब्लम चला गया। पिंपल्स के ऊपर लगाया, हेवी पिंपल्स के दाग चले गए। सनबर्न के लिए इसका इस्तेमाल किया, कटने जलने के ऊपर लगाया, घाव भर गए। डायबिटिक के उन भर गए, पाइल्स के ऊपर खून रुक गया। हमारा डेंटोडॉक बहुत सारे बेनिफिट्स दे रहा है। ऐसा कोई भी एक सिंगल प्रोडक्ट आज की डेट में इंडियन मार्केट में नहीं है। अगर हमारी संस्था एक टूथपेस्ट बनाते वक्त इतना क्वालिटी के बारे में सोचती है, तो हमारी संस्था के बाकी प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या रहेगी, ये मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अगर इसकी प्योरिटी की बात करें, ये 100% हर्बल है दोस्तों। अगर चेक करना है तो एक डेमो हम लोग घर पे भी कर सकते हैं। मार्केट में बहुत सारी टूथपेस्ट मिलती है, मैं किसी टूथपेस्ट का नाम नहीं लूंगा। एक मार्केट से टूथपेस्ट लाना है, एक व्हाइट पेपर लेना है, अलग अलग टूथपेस्ट लगाना है, एक साइड में डेंटोडॉक लगाना है और हर टूथपेस्ट में हल्दी मिक्स करना है। आप नोटिस करेंगे बहुत सारे टूथपेस्ट का कलर रेड हो जाएगा, क्योंकि हल्दी जब केमिकल के साथ अटैच होती है तो उसका कलर रेड होता है। लेकिन हमारी जो डेंटोडॉक है ना, उसका कलर एजिटेड रहता है, क्योंकि हमारी डेंटोडॉक 100% हर्बल और नेचुरल है। आगे हम लोग चलते हैं। ये सारे प्रोडक्ट्स हमारे घर की जरूरत है, क्योंकि हम सारे लोग रोज नहाते हैं। हमारे पास चार टाइप के बेहतरीन प्रोडक्ट है, जिसमें नीम तुलसी है, ब्यूटी क्रीम बार है, ग्लिसरीन है, गोट मिल्क बार है। अगर हमारे किचन की बात करें तो हमारे पास किचन में लगने वाले हल्दी हम लोग चेक कर सकते हैं दोस्तों। हमारे प्रोडक्ट के ऊपर एक लोगो है। हमारे किसी भी प्रोडक्ट में हल्दी रहने दो, मिर्च रहने दो, कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं है। ये सारे प्रोडक्ट है ना, नेचुरल है। असली पेस वेलनेस हमेशा क्वालिटी के बारे में दोस्तों सोचती है। ये हमारे हर घर की जरूरत, हमारे महिलाओं के लिए लगने वाले सारे प्रोडक्ट है। बर्तन धोने के लिए, कपड़ों के लिए हमारे पास पाउडर है, सोप है, टॉयलेट क्लीनर, फ्लोर क्लीनर, सारी चीजें। ये ब्यूटी केयर के प्रोडक्ट्स है। अभी हम लोग दोस्तों प्रोडक्ट थोड़ा फास्ट लेंगे, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। ये ब्यूटी केयर की रेंज है, ये हेयर केयर की रेंज है दोस्तों, ये प्रिवेंटरी प्रोडक्ट्स है। हमको कोविड जैसी बीमारी से या कोई भी वायरल इन्फेक्शन से खुद को सेफ रखने के लिए ये सारे प्रोडक्ट हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे हम लोग चलते हैं वेलनेस प्रोडक्ट की तरफ। एक सवाल दिमाग में आता है, सर वेलनेस एग्जैक्ट क्या है? दो वर्ड होते हैं दोस्तों, एक वर्ड होता है इलनेस और एक वर्ड होता है वेलनेस। इलनेस का मतलब होता है बीमार होने के बाद जो हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं उसको इलनेस कहा जाता है, और बीमारी ना हो इसके लिए जो हम लोग प्रिवेंशन लेते हैं उसको हम लोग वेलनेस कहते हैं। एक छोटे से हम लोग एग्जाम्पल से मैं आपको समझाना चाहूंगा। एक बीमारी थी जो पुराने जमाने में हमारे यहाँ थी, पोलियो। पोलियो बीमारी हुआ करती थी, बच्चों का पैर छोटा होता था। बाद में एक पोलियो का वैक्सीन आया, डॉक्टर ने बोला था जो भी नया बच्चा पैदा होगा उसके मुंह में पैदा होने के बाद 2 बूंद डालेंगे तो उस बच्चे को फ्यूचर में पोलियो नहीं होगा। ये 2 वैक्सीन का जो सिलसिला कंटिन्यू चालू रहा और आज की डेट में इंडिया में कोई भी पोलियो का पेशेंट नहीं है। लेकिन क्या मेरा सवाल है, आज जो भी बच्चा पैदा होता है क्या उसके मुंह में 2 बूंद डाले जाते हैं या नहीं जाते? जरूर डाले जाते हैं, क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं उस छोटे बच्चे को फ्यूचर में पोलियो ना हो। यानी दोस्तों, हम लोग वो 2 बूंद डाल रहे तो हम लोग प्रिवेंशन ले रहे, हम लोग केयर कर रहे पोलियो ना हो। वैसे आज की डेट में बहुत सारे बड़े बड़े प्रॉब्लम आज मार्केट में हम लोग देख रहे हैं। कैंसर का प्रॉब्लम है, गायनेक इश्यू है, हार्ट के प्रॉब्लम है, डायबिटिक है। अगर ये सारे प्रॉब्लम ना हो तो उसके लिए हम लोग प्रिवेंटरी असली पेस्ट के प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे वेलनेस के प्रोडक्ट्स है। अभी दोस्तों हर प्रोडक्ट के ऊपर डिटेल में बात करेंगे, तो
तो समय नहीं है, लेकिन हमारे प्रोडक्ट के जो रिजल्ट हम लोगों ने लिए, एक रिजल्ट जरूर शेयर करना चाहूंगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो बचपन से ना बोल पा रहे थे ना सुन पा रहे थे, डॉक्टर ने बोल दिया था 100% गूंगे बहरे, लेकिन थैंक्स टू असली पेयर्स, थैंक टू संजीव सर, आज बहुत सारे बच्चों ने असली पेयर्स वेलनेस के प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया और वो बच्चों ने बोलना स्टार्ट किया। बहुत पुरानी पुरानी बीमारियां इस प्रोडक्ट की वजह से दोस्तों खत्म हो चुकी है। तो ये वेलनेस के हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट है, थंडर ब्लास्ट है, बच्चों के लिए किजी डॉग है, ये स्पेशल लेडीज के लिए एक हमारे पास प्रोडक्ट की रेंज है जिसमें गायना डॉग है। आज की डेट में लेडीज में ब्रेस्ट कैंसर और यूट्रस कैंसर बढ़ रहा है दोस्तों। सिंपल सा, हम लोग हर चीज में केमिकल खा रहे हैं और आज जो भी सैनिटरी पैड मार्केट के इस्तेमाल हो रहे हैं वो हाइजेनिक नहीं है। उसके लिए हमारी स्पेशल सारी माता बहनों के लिए ये प्रोडक्ट्स दोस्तों असली पेस ने लॉन्च किए हैं। आप जिसके भी साथ आए हुए सारे प्रोडक्ट के बारे में आप उनके साथ बैठ के डिटेल में आगे समझ के ले सकते हैं दोस्तों। हम लोग आगे चलते हैं। आई ड्रॉप बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है, यह हर इंसान की जरूरत है क्योंकि साइंस ऐसा कह रहा है धीरे धीरे हर इंसान की आंखों में ड्राइनेस का प्रॉब्लम बढ़ रहा है, और अगर ये ड्राइनेस का प्रॉब्लम बढ़ते गया तो आने वाले समय में हर इंसान को रेटिना का प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, जो प्रॉब्लम साइंस में क्यूरेबल नहीं है। वो प्रॉब्लम ना है उसके लिए दोस्तों हम लोग प्रिवेंटरी आई ड्रॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई ड्रॉप से बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो चुके हैं, मोती बिंदु है, चश्मे का नंबर भी कम हो चुका है, बहुत सारे दोस्तों आंखों के प्रॉब्लम इस आई ड्रॉप के इस्तेमाल से खत्म हो चुके हैं दोस्तों। वेलनेस के हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, डायबिटीज के लिए, मोटापा कम करने के लिए, पाइल्स के लिए, आर्थराइटिस के लिए, एलर्जी के लिए दोस्तों। एक शॉर्ट 30 एक ऐसा प्रोडक्ट है, आज की डेट में कैंसर, अल्जाइमर, पार्किंसंस, बहुत सारी अलग अलग बीमारियां बढ़ रही है, और साइंस ऐसा कहता है ये जो बड़ी बड़ी बीमारियां हो रही है उसका एक ही रीजन है, हम लोग जो भी केमिकल का खा रहे हैं, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, रेडिएशन, इसकी वजह से हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बढ़ते हैं, और फ्री रेडिकल्स को स्टेबलाइज करने का काम एंटीऑक्सीडेंट करता है। और मुझे बताते हुए दोस्तों खुशी हो रही है, असली पीएस वेलनेस ने सिर्फ इंडिया का नहीं दुनिया का नंबर 1 एंटीऑक्सीडेंट बनाया है जिसका नाम है शॉर्ट 30। अगर कोई भी फाइटर्स शॉर्ट 30 का इस्तेमाल करेगा तो यकीनन वो इस बड़ी बड़ी बीमारियों से खुद को बचा तो सकता है लेकिन खुद के लाइफ स्पैन को भी बढ़ा सकता है दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है ये, सारे फूड सप्लीमेंट के प्रोडक्ट्स है जो चीजें हम लोगों को खाने से नहीं मिल रही। जैसे आज 40 उम्र के बाद घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द स्टार्ट होता है, इसका सिंपल सा मतलब है शरीर में से कहीं ना कहीं कैल्शियम खत्म हो रहा है जो हमारे खाने से नहीं मिल रहा है, तो हम लोग हमारे फूड प्रोडक्ट से ले लेके उस प्रॉब्लम को हम लोग खत्म कर सकते हैं दोस्तों। ये सारे हमारे पास फूड प्रोडक्ट्स की रेंज है। एग्रीकल्चर में भी असली पेस्ट वेलनेस के पास 4 बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि हमारे संजू सर हमेशा कहते हैं अगर भारत का किसान जिंदा रहा तो हम लोग जिंदा रहेंगे। तो किसान के लिए संजू सर ने बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट बनाए, ये सारे प्रोडक्ट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है दोस्तों। आज अगर हम लोग बात करें तो पहले जमाने के लोग 100 साल जीते थे, आज का जनरेशन 60 तक आ चुका है, अगर कोई 70 साल जिएगा तो हम लोग बोनस लाइफ समझेंगे। इसका सिंपल सा मतलब है हर चीज में हम लोग केमिकल खा रहे, कहीं ना कहीं किसान को ऑर्गेनिक खेती की तरफ जाना चाहिए। इसके लिए हमारी संस्था ने 4 बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट बनाए, अगर कोई भी किसान इन 4 प्रोडक्ट का इस्तेमाल करता है तो यकीनन उसका प्रोडक्शन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन उसका जो भी प्रोडक्ट आएगा वो ऑर्गेनिक रहेगा। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि जो हमारी आने वाली जनरेशन है ना दोस्तों, उनका लाइफ स्पैन बढ़ाने के लिए दोस्तों हम लोग मदद कर सकते हैं। और हमारे बहुत सारे किसान लोगों के पास गाय, भैंसे, बकरियां, मुर्गियां होती है, जैसे हमको प्रॉब्लम हो सकते हैं वैसे इनको भी तो प्रॉब्लम हो सकते हैं। बहुत सारे जो भी लोग दूध का बिजनेस करते हैं उनको पता है गाय रहने दो, भैंस रहने दो, धीरे धीरे वो लोगों का दूध कम होता है। क्यों कम होता है इसका एक एग्जाम्पल आपको बताना चाहूंगा। हम लोग मानते हैं, हमको पता है कि दूध में सबसे ज्यादा कैल्शियम होता है, अगर इन लोगों को सही मात्रा में कैल्शियम नहीं मिला तो इन लोगों की हड्डियां कमजोर होती जाती है और उसकी वजह से ही दूध कम होता है, दूध का जो क्वालिटी होता है फैट वो कम होता है। उसके लिए हमारी संस्था ने बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट बनाए। अगर सारे प्रोडक्ट की बात करें तो असली पेस वेलनेस के पास हर घर में हर इंसान को लगने वाले सुबह से लेकर शाम तक, मतलब मैं हमेशा कहता हूँ पैरों के नाखून से लेकर सर के बाल तक, जो भी जरूरत के प्रोडक्ट है
ऐसे हमारे पास 107 से भी ज्यादा खुद के मैन्युफैक्चरिंग के प्रोडक्ट्स हैं। अगर मैं सवाल पूछूं सर प्रोडक्ट कैसे लगे, तो सारे लोगों का जवाब एक ही रहेगा, सर बहुत अच्छे प्रोडक्ट है। लेकिन मेरा दूसरा एक सवाल है, प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसे पता चलेगी? तो जब तक हम लोग किसी चीज को इस्तेमाल नहीं करते, हमको प्रोडक्ट की क्वालिटी समझ में नहीं आती है दोस्तों। यहाँ पे एग्जैक्ट करना क्या है, यहाँ पे दोस्तों हमको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, यहाँ पे सिर्फ एक ही काम करना है। हम लोगों को एक पता है कि मार्केट में 1,000 कमाने के लिए लाख इन्वेस्ट करने होते, लाख कमाने के लिए करोड़ों इन्वेस्ट करने होते, और करोड़ों कमाने के लिए अरबों रुपया इन्वेस्ट करना होता है। लेकिन दोस्तों असली पेस वेलनेस, यहाँ पे आप बगैर कुछ इन्वेस्ट किए बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। हम लोग कैसे पैसा कमा सकते हैं, इस चीज की तरफ चलते हैं। यहाँ पे सिर्फ तीन सिंपल स्टेप्स अगर हम लोग करते, जो स्टेप्स हम लोग पूरी जिंदगी भर करते आ रहे, उन तीन स्टेप को अगर हम लोग अपनाते हैं, तो यहाँ से हम लोग डेफिनेटली बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। हम लोगों को सिर्फ तीन काम करने हैं, जो काम हम लोग जिंदगी भर करते आ रहे हैं। मेरा एक सवाल है आप लोगों से, क्या हम लोग जो भी सामान लगता है मार्केट से परचेज करते या नहीं करते? आप बोलेंगे सर जरूर करते हैं। आज तक हम लोगों ने लाखों करोड़ों का सामान लिया, क्या उसके बदले में हमको कुछ मिला? आपका जवाब रहेगा सर नहीं मिला। मेरा दूसरा सवाल है, इतना हम लोगों ने सामान लिया, कभी हमारा लॉस हुआ क्या? नहीं हुआ, क्योंकि मार्केट का सिंपल प्रिंसिपल है, पैसा दो सामान लो कहानी खत्म। यानी हम लोग जिंदगी भर मार्केट से परचेसिंग करते रहेंगे ना, हमको कुछ भी कभी फायदा नहीं होगा। दूसरा, जो चीज हमको अच्छी लगती है हम लोग उसका रिजल्ट लेते हैं, तो चार लोगों को हम लोग चिल्ला चिल्ला के बताते हैं, यानी माउथ प्रमोशन करते या नहीं करते? अगर हमारे पास मान के चलिए होंडा की बाइक है, हमारा दोस्त बजाज की लेने वाला रहेगा, तो हम लोग उसको चिल्ला के बोलेंगे, यार मत ले मेरी गाड़ी, चला, स्पीड देख, माइलेज देख, गाड़ी अपनी, डीजल पेट्रोल अपना, उसको प्रमोट करते होंडा। हमको होंडा ने क्या दिया? कुछ नहीं दिया। यानी हम लोग जिंदगी भर है ना फ्री का प्रमोशन करते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हम लोग गलत कर रहे हैं, हम लोग अच्छा काम कर रहे दोस्तों, क्योंकि हम लोगों को ये लगता है जो चीज मुझे अच्छी लगी है, मेरा फायदा हुआ है, तो लोगों का भी फायदा हो। लेकिन ये तीन काम हम लोग मार्केट से करते हैं ना, तो कभी फायदा नहीं होता है। लेकिन ये तीन काम अगर हम लोग असली पेस के साथ करते हैं ना, तो यकीनन याद से ना हम लोग बड़ा मुनाफा, बड़ा फायदा कमा सकते। तो मुझे यहाँ पे एक चीज बहुत अच्छी लगी थी, अगर जिंदगी में एक बार दुकान बदलने से अगर तकदीर बदलती है, तो दुकान को जरूर बदलना चाहिए। करना क्या है, आज तक किसी बाबा की टूथपेस्ट लगाई कुछ नहीं फायदा हुआ, डेंटोडॉक लगा के देखते हैं। आज तक लक्ष्य ना आए, ऐश्वर्य जैसे खूबसूरत नहीं बने, चल असली पेस के साबुन इस्तेमाल करके देख सकते हैं। यानी दोस्तों हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ दुकान को चेंज करना है। लेकिन दुकान को किस तरीके से चेंज करना है, इस चीज को हम लोग समझते हैं। अब तक आपको क्या समझ में आया मुझे नहीं पता, लेकिन आखिरी के ना 15-20 मिनट आपका पूरा कंसंट्रेशन यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि जब मैंने ये 15-20 मिनट का सेशन देखा था, मैं पूरी रात नहीं सोया था। और मेरा दावा है आप लोगों से, अगर ये 15-20 मिनट का सेशन आप दिल दिमाग और ध्यान से देखते, तो आप भी आज की रात नहीं सोने वाले हो। तो यहाँ पे इस सिस्टम के साथ जुड़ने के लिए कंपनी हमको तीन ऑप्शन देती है। पहला एक ऑप्शन देती है फैमिली ज्वाइनिंग। करना क्या है, हमको हमारे घर के तीन लोगों के डॉक्यूमेंट्स देना है, उनके जो भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसमें आधार कार्ड रहेगा, पैन कार्ड रहेगा, और बैंक डिटेल्स रहेंगे। बैंक डिटेल्स इसके लिए जिस बैंक में हम लोग पैसा कमाना चाहते हैं, उस बैंक के डिटेल्स। और एक कंडीशन है, जो भी बंदा जुड़ना चाहता है उसकी उम्र 18 से ऊपर होनी चाहिए। यहाँ पे एक ज्वाइनिंग का तरीका है फैमिली ज्वाइनिंग। मान के चलिए आप अकेले काम करना चाहते हो लेकिन ज्यादा पैसा कमाना चाहते हो, तो आप यहाँ फैमिली ज्वाइनिंग से भी जुड़ सकते हो। फैमिली ज्वाइनिंग के लिए आप अपने घर के तीन लोगों के आईडी लगा के यहाँ पे जुड़ सकते हो। अभी यहाँ पे हम लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, 300 SP की ज्वाइनिंग लेके हम लोग तीन आईडी लगा सकते हैं। अभी यहाँ पे एक सवाल बहुत सारे लोगों के दिमाग में रहेगा, सर ये 300 SP क्या है? एसपी क्या है? एसपी का मतलब है सेल्स पॉइंट। यहाँ पे 160 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स है, और हर प्रोडक्ट को कंपनी ने एक वैल्यू प्रोवाइड किया है। जैसे हमारे इंडियन जो करेंसी है उसको हम लोग रुपीज में बोलते हैं, हर कंट्री की करेंसी अलग अलग होती है, वैसे ही कंपनी ने प्रोडक्ट को एक वैल्यू प्रोवाइड किया है एसपी। क्या
किसी प्रोडक्ट को आधा एसपी है, किसी प्रोडक्ट को 1 एसपी है, किसी प्रोडक्ट को 10 एसपी है, किसी प्रोडक्ट को 13 एसपी है, किसी प्रोडक्ट को 27 एसपी है। तो कंपनी कहती है अगर आप 3 आईडी से लेना चाहते हो, जुड़ना चाहते हो, तो आप 300 एसपी को प्रोडक्ट यहाँ से परचेज करके आप जुड़ सकते हो। अब यहाँ पे होगा क्या, अगर मान के चलिए कोई इंसान है, किसी को बड़ी बीमारी है, यहाँ से हम लोग बीमारी के लिए भी प्रोडक्ट ले सकते हैं। लेकिन आयुर्वेदा यह कहता है अगर आयुर्वेदा का ट्रीटमेंट आपको करना है तो कम से कम 4 महीना आपको ट्रीटमेंट करना जरूरी होगा। मैंने 4 महीना क्यों बोला, क्योंकि आयुर्वेदा में एक वर्ड का हमेशा इस्तेमाल किया जाता है, वो वर्ड है मंडला। एक मंडला का मतलब होता है 40 दिन। आप किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को मिलेंगे तो हमेशा कहेंगे कि आप आयुर्वेदिक प्रोडक्ट कम से कम 3 मंडला इस्तेमाल करो। 3 मंडला का मतलब होता है 120 दिन। अगर आप कंटिन्यूस 120 दिन प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हो तो यकीनन आपको उस प्रोडक्ट के कुछ रिजल्ट समझ में आएंगे, रिजल्ट दिखेंगे। अगर आपको लगता है आप पूरी तरह से ठीक हो चुके हो तो आपको आगे कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है। अगर ठीक पूरी तरह से नहीं हो तो आप 6 महीने तक उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर 6 महीने के 3 महीने के प्रोडक्ट लेना है तो हम लोग हमारे घर के 3 लोगों के आईडी लगा के भी यहाँ से 300 एसपी से जुड़ सकते हैं। अभी यहाँ से अगर हम लोग 3 आईडी से जुड़ते हैं, 300 एसपी से जुड़ते हैं, तो फायदा क्या होगा, हमको यहाँ पे 3 आईडी नंबर मिलेंगे, हमारे 3 अकाउंट खुल जाएंगे और फ्यूचर में हम लोग 3 नाम के ऊपर पैसा बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पहला फायदा होगा, हम लोग यहाँ कंपनी के साथ जुड़े इसके लिए हमको जो भी प्रोडक्ट्स मिलेंगे वो 20% डिस्काउंट में मिलेंगे दोस्तों। यानी हमको हमारी कंपनी कोई भी प्रोडक्ट एमआरपी से नहीं देगी, हर प्रोडक्ट हमको डिस्काउंट प्राइस में मिलेगा। यानी अगर हम लोग 45-50 हज़ार के डिस्काउंट प्राइस के प्रोडक्ट लेते हैं तो उसकी अगर एमआरपी की बात करें तो कम से कम 60-65 हज़ार उसकी एमआरपी रहेगी। यानी 3 आईडी से भी हम लोग इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। आगे हम लोग चलते हैं, दूसरी ज्वाइनिंग है जिसको कहते हैं कपल ज्वाइनिंग। यहाँ पे कुछ लोग बोलते हैं सर हम लोग 3 आईडी से नहीं जुड़ सकते। कोई बात नहीं है, हस्बैंड वाइफ, माँ बाप या एक बेटा, पिताजी या 2 भाई, 2 लोग घर के 2 आईडी लगा के भी यहाँ से जुड़ सकते हैं। और एक ऑप्शन कंपनी हमको रखा है सिंगल ज्वाइनिंग, 100 एसपी के प्रोडक्ट लेके भी आप इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हो। अभी आप बोलेंगे सर 100 एसपी से अगर जुड़ते हैं तो फायदा क्या होगा। दोस्तों 100 एसपी से अगर हम लोग जुड़ते हैं तो यहाँ पे पहला यह फायदा होगा, हम लोगों को जो पैसा कमाने का जो मौका कंपनी देती है वो हफ्ते का देती है। हम लोग 100 एसपी से अगर इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो हफ्ते का कम से कम 1,000 और ज्यादा से ज्यादा हम लोग 7.5 लाख रुपया कमा सकते हैं। अगर कोई शख्स 2 आईडी से जुड़ा है तो फ्यूचर में 15 लाख कमा सकता है, 3 आईडी से जुड़ा है तो फ्यूचर में हफ्ते का 22.5 लाख कमा सकते हैं। अभी 7.5 लाख कमाना है या 22.5 लाख कमाना है, चॉइस आपका है दोस्तों। मान के चलिए आपने पैसा दिया, आपके चॉइस के प्रोडक्ट मिले, हर प्रोडक्ट आपको डिस्काउंट प्राइस में मिला, यानी आपका फायदा हुआ। मुझे बताइए ये ऑप्शन हमको मार्केट में कोई नहीं देता है। मान के चलिए हम लोगों ने बिजनेस भी नहीं किया तो हमारा कोई लॉस नहीं है, क्योंकि हमारा सिंगल रुपया भी कंपनी के पास नहीं बचा है। मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी थी, हम लोगों ने पैसा दिया, हम लोगों को प्रोडक्ट अच्छा लगा, हमको रिजल्ट आया, तो यकीनन हम लोग 4 लोगों को बताएंगे या नहीं बताएंगे, जरूर बताएंगे दोस्तों। अगर हम लोग प्रमोशन का काम करते हैं तो हम लोग यहाँ से कैसे बेनिफिट कमा सकते हैं, इस चीज को देखते हैं। हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है, हम लोग जुड़े हैं, हम लोगों ने पेमेंट किया, हम लोगों को प्रोडक्ट मिल गया, हम लोग ऑनलाइन भी कंपनी को पेमेंट भेज सकते हैं। कंपनी ऑल ओवर इंडिया में फ्री ऑफ चार्ज बाय कुरियर भी प्रोडक्ट भेजती है। कंपनी के ऑल ओवर इंडिया में 600 से भी ज्यादा CNF आउटलेट्स है, हम लोग उनको PUC या फ्रेंचाइजी भी कहते हैं। वहां जाके भी हम लोग खुद देख के भी पेमेंट करके प्रोडक्ट ले सकते हो दोस्तों। यानी हम लोगों ने सिंपल काम क्या किया, दुकान को बदला, सही बात है। और दुकान को बदलने से हमको दोस्तों एक मौका मिल गया पैसे कमाने का। यह मौका हमको मार्केट में नहीं मिलता है। यहाँ पे बिजनेस कैसे स्टार्ट होता है, इनकम कैसे मिलता है, इस चीज की तरफ दोस्तों हम लोग चलते हैं। बीच में आप सभी लोगों को स्क्रीन पर एक पिक्चर दिख रहा है। एज्यूम करना, ये सोचना कि ये हम खुद है, आप इस संस्था के साथ जुड़े, आपने 100 एसपी का, 200 एसपी का, 300 एसपी का जो भी आपको रिक्वायरमेंट थी
आपने प्रोडक्ट लिया, उसमें आप वेलनेस के प्रोडक्ट ले सकते हैं, घर में लगने वाले प्रोडक्ट ले सकते हैं, बच्चों के लिए ले सकते हैं, लेडीज के लिए ले सकते हैं, हर कैटेगरी के प्रोडक्ट ले सकते हैं। हम लोगों ने पैसा दिया, उसका सामान हमको मिल गया। अभी प्रोडक्ट हम लोग इस्तेमाल करेंगे, करेंगे या नहीं करेंगे, जरूर करेंगे। मान के चलिए आप लोगों ने प्रोडक्ट इस्तेमाल किया, आपको कोई बीमारी है, ठीक हो गई, तो हम लोग चार लोगों को बताएंगे या नहीं बताएंगे? जरूर बताएंगे दोस्तों। और आज की डेट में अगर मैं सवाल आप लोगों से पूछूं, आपके जान पहचान का कोई मुझे एक ऐसा घर बताइए जहाँ कोई बीमार नहीं है, तो कोई भी ऐसा घर नहीं रहेगा जहाँ कोई बीमारी नहीं रहेगी। मेरा दूसरा सवाल आप लोगों से ये रहेगा, आपके जान पहचान में मुझे एक ऐसा बंदा बताइए जिसको पैसे की जरूरत नहीं है, तो आपका जवाब यही रहेगा, सर हर एक को तो पैसे की जरूरत है, हमको कुछ नहीं करना है दोस्तों, सिर्फ हमको ये काम करना है, अगर कोई बीमार इंसान है उसको एक मैसेज देना है, तेरे को जो बीमारी है उसके बेहतरीन प्रोडक्ट्स मेरे पास है, मैं उसको जानकारी दूंगा, अगर तुझे समझ में आता है तो प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर, अगर नहीं समझ में आता है छोड़ दे। आपको खुद किसी को नहीं बताना है, जो भी आपके अप्लायंस रहेंगे, सीनियर रहेंगे, उनके माध्यम से आपको प्रोडक्ट की जानकारी देनी है। और कोई पैसा कमाना चाहता है उसको एक मैसेज देना है, कोविड के बाद मुझे एक चीज समझ में आई थी पैसे के, मेरे हर इंसान के पास दो प्लेटफॉर्म होने चाहिए, जैसे कार के लिए स्टेपनी इंपॉर्टेंट होती है, वैसे हर इंसान के लिए पैसे की एक स्टेपनी होनी चाहिए। मैंने एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है, तेरे साथ शेयर करूंगा, अगर तू करना चाहेगा तो हम लोग मिलकर इस प्लेटफॉर्म को करेंगे। क्या लगता है, हम लोग हमारे जान पहचान के 25-30-40 लोगों को प्रोडक्ट और इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में डिस्कस नहीं कर सकते? जरूर कर सकते हैं दोस्तों। और एवरेज ये कहता है 30-40 लोगों से अगर डिस्कशन किया तो 4-5 लोग तो जरूर आएंगे। सही बात है गलत बात है? अगर कोई बंदा ये बोलता है सर मेरा एक भी नहीं आएगा, तो मैं उसको एक बोल सकता हूँ, यार फिर जिंदा रह के भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि मरने के बाद तो चार लगते हैं, बाहर के तो लगते हैं ना, यानी हर इंसान के मार्केट में जान पहचान वाले होते ही होते हैं। और आज की डेट में दोस्तों हर इंसान एलोपैथी के प्रोडक्ट इस्तेमाल करके थक गया है, क्योंकि हर इंसान को यह पता है अगर मैं पेट के प्रॉब्लम के लिए कंटिन्यूस एलोपैथी के प्रोडक्ट इस्तेमाल करूंगा तो मुझे फ्यूचर में अल्सर होगा, सर के प्रॉब्लम के लिए प्रोडक्ट इस्तेमाल करूंगा तो मुझे फ्यूचर में साइनस या ब्रेन का कोई प्रॉब्लम हो सकता है, शुगर की अगर मैं एलोपैथी के प्रोडक्ट इस्तेमाल करूंगा तो फ्यूचर में किडनी फेल होने वाली, यानी आज की डेट में हर इंसान को अच्छे प्रोडक्ट की जरूरत है। आपके जान पहचान वालों को हम लोगों ने प्रोडक्ट के बारे में, प्लान के बारे में डिस्कस किया, उसमें कुछ दोस्त आपके हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, 3 लोग यहाँ पे आए, उन लोगों ने सारी सिस्टम को समझ लिया, प्रोडक्ट को समझ लिया, उन लोगों को अच्छा लगा, उन लोगों ने प्रोडक्ट परचेस किया। मुझे यहाँ पे एक चीज बहुत अच्छी लगी थी दोस्तों, हम लोगों ने पैसा दिया, हमको हमारे प्रोडक्ट मिल गए, वैल्यू के प्रोडक्ट मिले, यानी हमारा एक भी सिंगल रुपए का लॉस नहीं हुआ। अगर हमारा लॉस नहीं है तो हमारी वजह से हम लोग किसी और का भी लॉस नहीं करने जा रहे। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, ये जो 3 आपके दोस्त है, रिश्तेदार है, इन लोगों ने प्रोडक्ट परचेस किया, कंपनी का प्रोडक्ट सेल हुआ, आपने एज अ मीडिएटर प्रमोशन का काम किया, और इसी प्रमोशन का बेनिफिट कंपनी आपको देती है। कैसे देती है, मान के चलिए आपके SEO साइड में सेल्फ एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन और सेल्फ जनरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये कंपनी आपको 2 जोन देती है, आपके SEO साइड में 2 लोग आ गए, उन लोगों ने खुद के लिए प्रोडक्ट लिया, और SEO साइड में 1 बंदा आ गया, यानी 200 SP और 100 SP हो गए। यहाँ पे आप हम लोग चेक करेंगे तो 100 SP मैच हो जाते हैं, और यहाँ से आपका पहला इनकम स्टार्ट होता है, जो इनकम वीकली मिलता है, जिसको ग्रोथ इनकम कहा जाता है। पहला इनकम आपको मिलता है 1,000 रुपए। हर गुरुवार को कंपनी का कट ऑफ रहता है, फ्राइडे शाम 7 बजे के पहले यह पैसा 5% TDS कट करके आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है, यानी असली पेस वेलनेस से जो भी इनकम हमको आ रहा है ना, व्हाइट इनकम आ रहा है। लेकिन यहाँ पे कंपनी एक जबरदस्त इनकम देती है, जिसको सुनने के बाद मैं पूरी रात नहीं सोया था, उस इनकम का नाम है रैंक बोनस, लेवल बोनस, जो मंथली आता है। यहाँ पे जैसे ही आपके SEO साइड में 2 लोग यानी 200 SP का बिजनेस आता है, और SGO साइड में 1 बंदा यानी 100 SP का बिजनेस आता है, आप एक क्राइटेरिया कंप्लीट करते हो, 2:1 का रेशियो मेंटेन करते हो, तो यहाँ पे कंपनी आपको कंपनी की पहली लेवल यानी पायदान देती है, जिसका नाम है ब्रॉन्ज। जैसे आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन जाते हो, इस लेवल पे पहुंच जाते हो,
तो कंपनी आपको इस लेवल का सॉरी इसी बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर एक अलग से इनकम देती है जो आने वाली 1 तारीख को आपके अकाउंट में आता है। आप जैसे ब्रांड बनते हो आपको इनकम आ जाता है 1500 रुपया। अभी बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक सवाल चलता रहेगा, सर 1500 रुपया दिखाने के लिए हमको इस जूम वेबिनार में इनवाइट किया क्या? मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, किसी भी बड़े काम की शुरुआत है ना छोटे से होती है। यहाँ पे दोस्तों अगर इस पायदान की बात करें, इस लेवल की बात करें, तो यहाँ पे 18 लेवल है। मैं ऑलरेडी 10 लेवल कंप्लीट कर चुका हूँ, यानी यकीनन 18 लेवल तो कंप्लीट कर जरूर करूंगा। हमारे कुछ ऐसे लीडर्स हैं जिन्होंने 17 लेवल कंप्लीट कर चुकी है। पहले लेवल पे कंपनी हमको जो बोनस देती है वो देती है 1500 रुपया, और जिस दिन आप 18वीं लेवल पे पहुंच जाओगे और 18वीं लेवल को कंप्लीट करोगे, कंपनी आपको बोनस देगी सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ 12 करोड़ रुपया। जब ये करोड़ों का वर्ड सुना था ना, मेरे दिमाग को 240 वोल्ट का झटका लगा, क्योंकि आज तक कभी करोड़ों आए नहीं थे, क्योंकि किसी ने करोड़ों कैसे कमाना ये बताया नहीं था। दोस्तों बहुत सारे लोगों ने 17 लेवल अचीव किया है, 16 किया है, 15 किया है, 14 किया है। हमारे ही ग्रेट लीडर, उन्होंने बहुत जबरदस्त अचीवमेंट किए, उनके बारे में तो जरूर आगे बात करूंगा। तो ये करोड़ों का सफर हम लोग कैसे तय कर सकते हैं ये हम लोग जानते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो टीडीएस होता है सिर्फ 5% कट होता है। अभी ये बिजनेस क्यों बढ़ता है, ये जो 3 लोग हमारे साथ जुड़े हैं, इसमें हमारा दोस्त हो सकता है, हमारे रिश्तेदार हो सकते हैं, हमारे पड़ोसी हो सकते हैं, ये 3 लोगों ने प्रोडक्ट इस्तेमाल किए, इनको प्रोडक्ट का रिजल्ट आया, क्या लगता है आपको ये लोग चुप बैठेंगे? नहीं बैठेंगे। और मैं हमेशा कहता हूँ ये बिजनेस बढ़ने का एक ही रीजन है, हमारे जान पहचान का कौन है ना हमको पता है, लेकिन जो बंदा हमारे साथ जुड़ा है उसके जान पहचान का कौन है हमको पता नहीं है। ओला उबर का नेटवर्क ऐसे ही बड़ा था, जियो का नेटवर्क ऐसे ही बड़ा था दोस्तों। अभी मान के चलिए 3 लोग आ गए, हर एक ने यहाँ पे जैसे बोला था हफ्ते का हमको मिल जाता है 1.5 लाख, और ज्यादा से ज्यादा हम लोग यहाँ पे कमा सकते हैं 7.5 लाख। आगे हम लोग चलते हैं, इसी टीम के सपोर्ट से हमारे एसईओ साइड में 6 लोग आ गए और एजीओ में 3 लोग आ गए। 600 SP का बिजनेस, 300 SP का, 300 SP का मैच हो गया तो आपको जो ग्रोथ इनकम आएगा वो आएगा 3000। लेकिन यहाँ पे कंपनी आपको सेकंड पायदान देती है जिसको कहा जाता है सिल्वर डायरेक्टर, क्योंकि आपने 2:1 यानी 6 और 3 का रेशियो मेंटेन किया। आप जैसे सिल्वर डायरेक्टर बन जाते हो, आपको आने वाली 1 तारीख को एक बोनस दिया जाता है, जो बोनस आता है 4500 रुपया। धीरे धीरे इनकम बढ़ रहा है, हम लोग नेक्स्ट लेवल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट लेवल है गोल्ड, जिसके लिए कंडीशन है 12 लोग एसईओ साइड में आने चाहिए, 6 लोग एजीओ साइड में आने चाहिए, यानी 1200 SP का बिजनेस और 600 SP का बिजनेस। ये कभी भी आने दो, इसके लिए कोई टाइम बाउंड नहीं है। जो काम आप लोग कर रहे हो उसको आपको छोड़ना नहीं है, उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। जो हमारा समय वेस्ट जा रहा था उस समय को हम लोग इन्वेस्ट करके इस सिस्टम के साथ काम कर सकते हैं। जैसे आप गोल्ड बन जाते हो, आपका जो ग्रोथ इनकम है 6000 आएगा, लेकिन गोल्ड डायरेक्टर बनने के बाद आपको जो बोनस आएगी वो 9000 आएगी। आगे हम लोग चलते हैं प्लैटिनम, उसके लिए कंडीशन है 24-12, 12000 आपका ग्रोथ इनकम आएगा, लेकिन प्लैटिनम बनने के बाद आपको जो बोनस आएगी वो आएगी 20000, यानी प्लैटिनम का जो टोटल इनकम 32000 बन जाता है। आगे की लेवल एमराल्ड 48-24, 24000 आपका ग्रोथ इनकम, और आपको बोनस आता है 45000 रुपया। ये एक ऐसी लेवल है, इस लेवल पे इस पायदान पे पहुंचने के बाद एक ऐसी सिक्योरिटी असली पे इस वेलनेस की तरफ से हर फाइटर को मिलती है, जो एमराल्ड बन जाता है, जिसकी जरूरत हर इंसान को तो है, लेकिन वो सिक्योरिटी आज की डेट में असली पे इस वेलनेस छोड़ के कोई भी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन नहीं दे रही है। क्या सिक्योरिटी है इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। और दोस्तों इस बिजनेस की एक ऐसी फायदा जिस पर पहुंचने के बाद आप ग्लोबल बन जाते हो, ग्लोबल का यह मतलब होता है आपका कंपनी की वेबसाइट पे नाम आ जाता है। अगर सिस्टम से काम किया तो इस लेवल पे पहुंचने के बाद आपका इनकम महीने का 50000 और 1 लाख के बीच में आ जाता है, और उस लेवल का नाम है टोपास। टोपास के लिए कंडीशन है एसईओ में 120 लोग और एजीओ में 60 लोग। जब भी कभी भी आते हैं आपका जो ग्रोथ इनकम बनता है वो 60000 बनता है, लेकिन टोपास बनने के बाद एक बड़ा अमाउंट कंपनी आपके अकाउंट में क्रेडिट करती है, और वो है 1.5 लाख रुपया।
और जैसे आप टोपाज बनते हो, कंपनी आपको थाईलैंड का टूर देती है। कंपनी ये कहती है अब आप इस लेवल पे पहुंचो, अभी आपको एंजॉयमेंट करना है, तो कंपनी की तरफ से 3 रात 4 दिन का फ्री ऑफ कॉस्ट आपको थाईलैंड का टूर मिलता है। आगे की लेवल की तरफ चलते, आगे का लेवल है रूबी स्टार, 240, 120, 1,20,000 ग्रोथ इनकम और बोनस आता है 1,80,000। और यहाँ पे कंपनी आपको अलग से 50,000 बाइक फंड देती है। आगे की लेवल है सफायर, अभी हम लोग फर्स्ट लेते हैं। सफायर के लिए 480, 240 आपका जो ग्रोथ इनकम रहेगा वो 2,40,000 रहेगा, लेकिन जो बोनस मिलता है कंपनी वन शॉट आपके अकाउंट में भेजती है 3,60,000 रुपया। और जैसे आप सफायर बनते हो, यहाँ से कंपनी आपको फैमिली टूर देना स्टार्ट करती है। यहाँ पे पहली फैमिली टूर कंपनी आपको देती है, पहली फैमिली टूर आपको देती है दुबई। सिर्फ अकेले को नहीं देती है, सिर्फ हस्बैंड वाइफ को नहीं देती है, दो बच्चे और हस्बैंड वाइफ। आप समझ सकते हो असली पेस वेलनेस के एमडी सर सिर्फ फाइटर का ख्याल नहीं रखते, तो उनकी पूरी फैमिली का ख्याल रखते हैं। सफायर की बात की, जो लेवल आती है उसको कहा जाता है स्टार सफायर। कंडीशन है एसओ में 960, एजीओ में 480, जब भी कभी भी होने दो, कोई टाइम बॉन्ड नहीं है दोस्तों। ग्रोथ इनकम आ जाता है 4,80,000, बोनस आता है 2,20,000। लेकिन जैसे आप स्टार सफायर बनोगे, हमारी संस्था असली पेस की तरफ से आपको अलग से 6 लाख रुपया कार फंड मिलता है। आता है कैश, कार लेना है नहीं लेना है आपका चॉइस है, लेकिन आपके अकाउंट में अगर कार फंड आता है, तो अगर स्टार सफायर बन जाते हो तो इस एक लेवल का, इस सिर्फ एक ही लेवल का इनकम बन जाता है 13 लाख रुपया। और जैसे आप स्टार सफायर बनते हो, कंपनी फिर आपको घुमाने भेजती है, मलेशिया टूर देती है। अगले एक लेवल है जिस लेवल को कहा जाता है डायमंड। डायमंड के लिए कंडीशन होती है 1920, 960, 9,60,000 आपका ग्रोथ इनकम मैचिंग इनकम बन जाता है। यहाँ पे कंपनी आपको अलग से बोनस देती है 3,40,000, और वापस कंपनी आपको 9 लाख देती है अलग से कार लेने के लिए। यानी डायमंड बनने के बाद आपको बोनस मिल जाता है 12,40,000। और जैसे आप डायमंड बनते हो, कंपनी आपको मालदीव का टूर देती है, वो भी कपल टूर देती है। यहाँ पे प्लान में तो मेंशन नहीं किया है, लेकिन हमारे ग्रेट सीएमडी संजू सर, उनके बारे में जितनी बातें कहना कम है दोस्तों, उनके दिल में आ गया वो कर डालते हैं। वुमेन डे के ऊपर उन्होंने अनाउंस किया था, हमारी जितनी भी महिलाएं माता भगिनी जो भी असली पीएस में काम करेगी, वर्किंग वुमन और डायमंड बनेगी, उनको संजू सर की तरफ से अलग एक्स्ट्रा इनकम मिलेगा। अगर कोई हैंडीकैप भाई है, वो असली पेस में काम कर रहा है और डायमंड बन रहा है, तो 12-40 तो मिलेंगे, वो छोड़ के अलग एक अमाउंट उनको मिलेंगी, और वो अमाउंट है दोस्तों 5 लाख रुपये। ये सिर्फ और सिर्फ असली पेस में ही हो सकता है दोस्तों। आगे हम लोग चलते हैं, आगे की लेवल है ब्लू डायमंड, 3840, 1920, जो ग्रोथ इनकम आता है वो 19,20,000 आता है। बोनस की बात करें तो 17 लाख बोनस आता है। और जो ब्लू डायमंड बनता है, उनकी वाइफ को गहने खरीदने के लिए कंपनी 5 लाख रुपया गोल्ड फंड देती है। यानी ब्लू डायमंड का जो बोनस आता है सिर्फ 22 लाख आ जाता है। यहाँ पे कंपनी स्विट्जरलैंड का टूर दे रही है। अभी दोस्तों मैं सिर्फ बोनस बताते जाऊंगा, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ अभी आपके दिमाग में भी नोट है और आपके पेट में भी नोट है। आगे के लेवल की बात करें तो आगे का लेवल है ब्लैक डायमंड। जब भी आप इस लेवल पे पहुंच जाते हो, इस लेवल का जो इनकम आता है, बोनस आता है 35 लाख रुपया। अभी आप बोलेंगे यहाँ पे कोई ब्लू डायमंड बना है? यस, हमारे पुणे के आनबान शान विकास सर ब्लू डायमंड है, रायगढ़ के आनबान शान नीलेश सर ब्लू डायमंड है, जिन्होंने ऑलरेडी 22 लाख बोनस ले चुके हैं। ब्लैक डायमंड की बात करें, आप बोलेंगे सर कोई बना है, जरूर बना है, हमारे ग्रेट महागुरु है डॉक्टर मुर्तुजा शेख सर, जो आज असली बेस के फास्टेस्ट ब्लैक डायमंड है। मैंने जस्ट सर को पूछा था सर बोनस कितना है, बोलता ज्यादा नहीं 35 लाख आया। और आज मुर्तुजा सर ने रिकॉर्ड किया पूरे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, आज तक किसी लीडर ने नहीं किया वो रिकॉर्ड मुर्तुजा सर ने किया है। आज सर जिस भी गाड़ी से चलते, कोई छोटी मोटी गाड़ी नहीं है, हम लोग उसको हा कार बोलते हैं। आज की डेट में मूर्तिया सर असली पेस की बदौलत ब्लैक डायमंड बने हैं और 2 करोड़ की रेंज रोवर डिफेंडर में चल रहे हैं। आगे की लेवल की बात करें तो आगे का लेवल है रॉयल डायमंड। अगर इसके सिर्फ बोनस की बात करें,
तो 59 लाख रुपीज बोनस मिलता है और फैमिली का सिंगापुर टूर मिलता है। नेक्स्ट लेवल की बात करते हैं, क्राउन डायमंड बहुत ही प्रेस्टिजियस रैंक है, और इस एक की रैंक का अगर बोनस की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ आता है 93 लाख रुपीज। बहुत सारे लोगों के दिमाग में सवाल रहेगा, सर क्या किसने लिया है? दोस्तों हम लोग असली पेस वाले हैं, किसी और ने नहीं लिया है। हमारे टीम रॉयल के जो महागुरु है डॉक्टर संपूर्णानंद चौधरी सर, जिन्होंने ऑलरेडी क्राउन डायमंड का 93 लाख रुपीज का बोनस ऑलरेडी वो ले चुके हैं। और आज संपूर्ण सर जिस गाड़ी से चलते हैं, जो गाड़ी मेरे हिसाब से इंडिया में सिर्फ 20 या 22 लोगों के पास है, जो गाड़ी है मर्सिडीज GLS 400D, कॉस्ट है सिर्फ 2 करोड़। तो 2 करोड़ की जर्नी की तरफ दोस्तों आगे चलते हैं, आगे का लेवल एम्बेसडर। इस लेवल पे आप जब भी कभी पहुंच जाएंगे, आपको जो बोनस आएगा सिर्फ आएगा 1.5 करोड़। ऑस्ट्रेलिया का टूर मिलेगा, रॉयल एम्बेसडर जिसका बोनस है 2 करोड़ 85 लाख, क्राउन एम्बेसडर जिसका बोनस है 5.5 करोड़। ऑलरेडी हमारे महिपाल सिंह सर ऑलरेडी ये बोनस ले चुके हैं। 18वां लेवल ब्रांड एम्बेसडर, जब भी कभी बन जाओ आपको जो बोनस मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 12 करोड़। अगर ये टोटल इनकम की बात करते हैं तो 70 करोड़ तो हमको यही से आ रहा है, और अवार्ड रिवॉर्ड अगर इसमें ऐड किया जाए तो पूरे इनकम को कैलकुलेट करेंगे ना तो हैरान हो जाएंगे दोस्तों, पूरा प्लान 100 करोड़ का आ जाए। 100 करोड़ हजम ही नहीं होते, मुझे पता है आज की रात आप भी नहीं सोने वाले, मुझे भी हजम नहीं हुआ था क्योंकि आज तक किसी ने बताया नहीं था। मैं मैथमेटिक्स में अच्छा पढ़ाई कर रहा था, एक कैलकुलेशन मैंने किया तो मैं हैरान हुआ, लोग करोड़पति क्यों नहीं बन पाते, उसका एक ही फॉर्मूला मुझे समझ में आया था। अगर कोई बंदा महीने के 20 हजार कमाता है तो उसको 1 करोड़ कमाने के लिए 78 ईयर्स काम करना जरूरी है। 20 हजार सेविंग की तो बात ही दूर है, यानी करोड़ों कमाना आसान नहीं है। आज बहुत सारे लीडर 5 साल 6 साल के अंदर 14 15 लेवल कंप्लीट कर चुके हैं। दोस्तों हम लोग ये सोचते हैं अगर ये 18 लेवल 10 साल में भी हम लोगों ने कंप्लीट किया, 10 साल में भी, 10 साल में अगर 100 करोड़ आते हैं तो जिंदगी कैसी रहेगी? कुछ लोग ये सोचते रहेंगे सर हमारी तकदीर खराब है। चलो हम लोग ये सोचते हैं 10 साल में हम लोगों ने 50% भी काम हुआ, 50 करोड़ आए। कुछ लोग बोलेंगे सर थोड़ा, मैं कहता हूं चलो 10 साल में 10 करोड़ आए। कुछ लोग बोलेंगे सर हमारे हाथों पे है ना, लक्ष्मी की रेखा ही नहीं है, 1% काम हुआ 10 साल में 1 करोड़ आया। अगर महीने के हिसाब से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे ना तो महीने का इनकम 80 से 90 हजार के नीचे नहीं आता है। ये प्लेटफॉर्म की ताकत है। आगे हम लोग चलते हैं आखिरी पॉइंट, जिसको देख के मैंने इस सिस्टम की शुरुआत की थी, फैमिली सिक्योरिटी। आज दुनिया पूरी डिजिटलाइज हो चुकी है, कहीं भी कुछ भी बुरी चीज हो जाती है ना तुरंत कुछ सेकंड के अंदर हमारे मोबाइल में आ जाती है। मैं हमेशा कहता हूँ हर इंसान के पास सही तरीके से पैसे कमाने के 3 रास्ते होते हैं, जॉब बिजनेस या प्रोफेशन। मैं किसी भी चीज के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन एक कोई बंदा जॉब कर रहा है भले उसको लाख 2 लाख सैलरी है, भगवान खुदा न करे अगर वो बंदा दुनिया छोड़ के चला गया तो क्या उसका जॉब उसकी सैलरी घर वालों को मिलेगी? आप सारे लोगों का जॉब नहीं रहेगा, मैं जानता हूँ। इसका सिंपल सा ये मतलब है जॉब कैटेगरी में ना कोई भी फैमिली सिक्योरिटी नाम की चीज नहीं है। अगर हम लोग प्रोफेशन की तरफ चलते हैं, कोई डॉक्टर इंजीनियर एडवोकेट इस जूम वेबिनार में जुड़ा हो तो बुरा नहीं मानना, अगर वो शख्स दुनिया छोड़ के चला जाता है क्या उनकी डिग्री के ऊपर उनकी फैमिली मेंबर काम कर सकती है? नहीं कर सकती। यानी मेरा मैसेज है आपको, प्रोफेशन में भी कोई फैमिली सिक्योरिटी नहीं है। आगे बात आती है बिजनेस की। दोस्तों बिजनेस का नॉलेज हमको रहता है, नॉलेज हम लोग शेयर कर सकते हैं, केबल लगा के ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते। जो बंदा बिजनेस करता है ना उसके पास नॉलेज रहता है, और हम लोगों ने देखा है बिजनेस करने वाला बंदा चला गया बाद में देखते हैं तो उसका नेक्स्ट जनरेशन उस बिजनेस को सही तरीके से संभाल नहीं पाता है। यानी तीनों कैटेगरी में कहीं भी फैमिली सिक्योरिटी नाम की कोई चीज नहीं है। और मैं हमेशा कहता हूँ हर इंसान
अपनी फैमिली से मोहब्बत करता है। हर इंसान पूरी जिंदगी अपनी फैमिली के लिए काम करता है, और उसके सामने सिक्योरिटी के सिर्फ दो ही ऑप्शन रहते हैं। एक ऑप्शन होता है इंश्योरेंस, और दूसरा ऑप्शन होता है इन्वेस्टमेंट। इंश्योरेंस सेक्टर हमारी फैमिली को जिंदगी भर सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करता है, और जो पैसा हम लोगों ने इन्वेस्ट किया है वो कभी ना कभी खत्म हो सकता है। यानी हर इंसान की जिंदगी में फैमिली सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दोस्तों असली पीएस बैलेंस एक बेहतरीन फैमिली सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। मान के चलिए यहाँ पे कोई बंदा जुड़ा है, उसने प्रोडक्ट इस्तेमाल किए, हेल्थ के लिए किए, बीमारी के लिए किए, या घर के लिए किए, उसको रिजल्ट आया, वो लोगों से शेयर करते गया, लोगों ने प्रोडक्ट इस्तेमाल किए, धीरे धीरे एक अच्छा लोगों का कारवा बनते गया। और भगवान खुदा न करे अगर इस बंदे को कुछ हो गया, तो क्या लगता है आपको जो लोग नीचे जुड़े वो काम करना बंद करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन मैं सैल्यूट करता हूँ असली पेस वेलनेस ऑर्गेनाइजेशन को, अगर उस बंदे को कुछ हुआ तो असली पेस वेलनेस उसकी आईडी को कैंसल टर्मिनेट नहीं करती है। जब पहली बार उस बंदे ने फॉर्म भरा था तो उसमें उसने एक कॉलम भरा था, अगर आप भी फॉर्म भरने वाले हो तो एक कॉलम जरूर भरना, वो कॉलम है नॉमिनेशन। अगर उस बंदे को कुछ हो जाता है, अगर मान के चले उसने एज अ नॉमिनी उसकी वाइफ को रखा है, उसको कुछ हो जाता है, माँ को रखा है, उसको कुछ हो जाता है, तो पूरा का पूरा ये बिजनेस उसका नेक्स्ट जनरेशन उसकी वाइफ के नाम के ऊपर या उसकी माँ के नाम के ऊपर ट्रांसफर किया जाता है। यहाँ पे असली पीएस वेलनेस ये नहीं चेक करेगी उसकी वाइफ को असली पीएस का ये पता या नहीं है, असली पीएस वेलनेस ये नहीं देखेगी उसकी माँ को ये पता या नहीं है। नीचे नेटवर्क बना है, नीचे लोग काम कर रहे हैं, तो उसका डेजिग्नेशन, उसका रैंक एज इट इज उसकी नॉमिनी को मिल जाता है, वाइफ को मिल जाता है, माँ को मिल जाता है, जो नॉमिनी आपने रखा है। अगर उसको वाइफ को कुछ हो गया तो ये पूरा का पूरा बिजनेस नेक्स्ट जनरेशन उनका लड़का या लड़की के नाम के ऊपर ट्रांसफर किया जाता है। मेरा मैसेज है आप लोगों से, अगर जिंदगी में एक बार दुकान को बदलने से, और जो काम हम लोग जिंदगी भर करते आ रहे हैं फ्री में प्रमोशन करने का, वो काम इस सिस्टम के साथ करने से अगर हमारी जनरेशन सिक्योर्ड हो रही है, तो ये काम को जरूर करना चाहिए दोस्तों। और आखिरी पॉइंट नॉमिनेशन, कोविड का पेंडेमिक सिचुएशन में हमारे ग्रेट महागुरु संजू सर के दिमाग में एक सवाल आया, उन्होंने देखा बहुत सारे फाइटर दुनिया छोड़ के चले गए, उनके मन में एक सवाल आया, इनकी फैमिली की कुछ करना है, और संजू सर ने एक ऐसी सिक्योरिटी प्रोवाइड की जिसका नाम है परिवार सुरक्षा योजना। अगर यहाँ पे कोई फाइटर काम कर रहा है, कोई बंदा काम कर रहा है, धीरे धीरे काम करते गया वो एमराल्ड बना, और भगवान खुदा ना करे अगर उसको कुछ हो जाता है, आईडी तो उसके नाम पे ट्रांसफर होगा ही नॉमिनी के नाम पे, लेकिन वो छोड़ के 24 घंटे के अंदर उस बंदे के नॉमिनी के अकाउंट में असली पीएस वेलनेस 1 लाख रुपए एज अ रिलीफ फंड देती है, और उसके दो बच्चों का 12वीं तक का पढ़ाई का जिम्मा असली पीएस वेलनेस उठाती है। आज की डेट में अगर देखा जाए तो किसी इंसान की कोई गारंटी नहीं है। ऐसी सिक्योरिटी आज की डेट में ना प्राइवेट सेक्टर में है ना गवर्नमेंट सेक्टर में है, ये सिक्योरिटी सिर्फ और सिर्फ असली पीएस वेलनेस ही दे रही है दोस्तों। नेक्स्ट लेवल अगर कोई बंदा टोपाज बन जाता है, और भगवान खुदा ना करे उसको कुछ हो गया, तो 2 लाख और उसकी नॉमिनी को मिलेंगे, और बच्चों का एजुकेशन रूबी रहेगा तो 3 लाख, सफायर रहेगा 4, स्टार सफायर रहेगा, और कुछ हो गया तो 8 लाख 20 हजार, बच्चों का एजुकेशन डायमंड 12 लाख 40 हजार, बच्चों का एजुकेशन अगर वो बंदा ब्लू डायमंड रहेगा और कुछ हो जाता है तो 22 लाख देती है, और बच्चों का एजुकेशन का जिम्मा उठाती है। और असली पेस वेलनेस सिर्फ बोलती नहीं है दोस्तों, करके दिखाती है। जितने भी फाइटर लोगों के साथ ये सारी चीजें हुई थी, असली पेस वेलनेस ने ये जो भी बोला था परिवार सुरक्षा योजना, आज उनके बच्चों का पढ़ाई का जिम्मा कंपनी ने लिया है, और उनकी फैमिली को एज अ रिलीफ फंड जो अमाउंट असली पेस ने बोला था वो अमाउंट हर फाइटर्स के नॉमिनी के अकाउंट में दोस्तों कंपनी ने भेजा है। अभी ये सेशन दोस्तों, फ्लाइट तो यहाँ पे खत्म हो रही है, बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे सवाल रहेंगे, सर सही में अचीवमेंट होती है क्या, सर सही में पैसा मिलता है क्या। मैंने जैसे बोला, मेरा नाम श्री तेंदुलकर है, प्रोफेशनल कमर्शियल डिजाइनर, बहुत सारे बिजनेस, खुद का फ्लेक्स का बिजनेस,
पुणे में मेरा ऑफसेट का प्रिंटिंग का बिजनेस था, खुद का प्रिंटिंग का मशीन था, एक्रिलिक का लेजर कटिंग का बिजनेस था। लेकिन कोविड का पेंडेमिक सिचुएशन में असलीपीएस वेल ने स्टार्ट किया, प्रोडक्ट इस्तेमाल किया, रिजल्ट लिए, लोगों को बताते गया बताते गया, इतने बेहतरीन रिजल्ट आते गए। और पूरी टीम असली पीएस बैलेंस के प्रोडक्ट के रिजल्ट आज डायमंड लेवल तक पहुंच चुका हूँ। जो बोनस मैंने बोला था 12,40,000 ऑलरेडी ले चुका हूँ। 4 साल हो चुके हैं दोस्तों, अगर 4 साल की अचीवमेंट की बात करूँ, एज पर आईटीआर जो पहले साल का मेरा जो इनकम बना था, जो इनकम बना था 4,80,000 के ऊपर बना था, सेकंड साल का मेरा इनकम 14 लाख के ऊपर बना था, थर्ड साल का 16 लाख, लास्ट फाइनेंशियल ईयर का एज पर आईटीआर मेरा इनकम 37 लाख रुपीज है। आज अगर बात करूं तो हर महीना 3.5 से 4 लाख रुपया मेरे अकाउंट में आ रहा है दोस्तों। अभी इससे भी ज्यादा कमाने वाले लोग मार्केट में रहेंगे, लेकिन जिंदगी में परिवर्तन क्या हुआ? टू व्हीलर पे चलता था, आज 22 लाख का किया कैरेंस लेके इस बिजनेस को डेवलप कर रहा हूँ। आज मार्केट में बहुत सारे लोग पैसा भी कमाते हैं, लेकिन आप अगर दुकान बिजनेस कर रहे हैं, आप शटर खोलेंगे तो आपको पैसा आएगा। दोस्तों मेरा एक एक्सपीरियंस बताना चाहूंगा। अब असली पेज की तरफ से हम लोग मलेशिया घूमने गए थे, 6 दिन का टूर था, 7 दिन में एक सिंगल रुपए का भी काम नहीं किया, लेकिन जब घर लौटा तो अकाउंट में देखा तो 78,000 रुपया क्रेडिट हो चुका। ये क्यों हुआ मालूम है? अकेले ने शुरुआत किया था, आज 22,000 से भी ज्यादा लोगों का नेटवर्क इस सिस्टम की बदौलत मेरे साथ जुड़ा है।